हेलो स्टूडेंट्स तो बेटा आज अपने क्या है मैथ कैंप okay? so, के टेस्ट फोर में मैथ्स का सॉल्यूशन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जिसमें टॉपिक है अपन वन माइनस एन कोस के रे सो दे प्लस बी इक्वल्स तो टेन ए प्लस बी की वैल्यू पूछिए तो सिंपल आपको देखो इसमें टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे अपने तो टेन ए प्लस बी इजिकल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी ओके तो यहां पे टेन बी की वैल्यू रखेंगे टेन बी किसके आएगा आपके पास में तो ये साइन ए अपॉन कॉस है माइनस प्लस यहां पे प्लस आएगा तो इसकी वैल्यू डालें तो एन साइन ए कौस ए अपॉन वन माइनस एन कोस कह रहे ओके अपॉन में वन माइनस इसको भी साइन कोस में चेंज करें तो साइन ए अपॉन कोस एंटू में एन साइन ए कॉस अपॉन में वन माइनस एन कोस के रे क्लियर है अब इसको देखो जब आपने सिंपलीफाई करेंगे तो यहां पे क्या आएगा साइन ए माइनस एन साइन कोस कोश के रे साइन ए ओके okay, तो इधर क्या कोस के रे आ जाएगा तो वो आपके पास में इस तरीके से सो साइने माइनस एन कोस के रे और साइन ए प्लस इधर एन साइन ए कौस के रे में एल्सियम सेम रहेगा तो इधर आपके पास में क्या आएगा ये सो कॉस ए कौश क्लियर है इसको देखो कोसे को आप इसमें तो कोसे इधर क्या कैंसिल नहीं करेंगे तो इसको इसी तरीके से लिख लो कोसे देखो कॉमन आएगा इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो कोसे देखो फिर अंदर क्या रहेगा ओके okay? इस तरीके से तो वो एलसीएम क्या है दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो गया तो इधर आपके पास में देखो दिस विल बी साइन ए में वन माइनस एन को से ओके तो यह एन यहां से कॉमन आएगा तो यहां पर क्या आएगा कॉस के रे प्लस साइंस के रे सो दिस विल बी वन माइनस एन कॉ से तो साइन एबोन वन माइनस एन कॉ से सो विच ऑप्शन इज करेक्ट ईयर फर्स्ट वन ओके तो नेक्स्ट तो सेकेंड क्वेश्चन इन्हें ट्राइंगल एबीसी साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यू बी प्लस साइन क्यूब सी टू थ्री साइन ए साइन बी साइन सी देन तो ट्राइंगल इसमें आपको बताना है ट्राइंगल कैसा होगा यह आपको कंडीशन दी हुई है तो देखो आपने को जनरली जैसे पता है फॉर्मूला इसमें ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू थ्री ए बी सी ठीक है इसका फैक्टर क्या होते हैं जैसे देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इस तरीके से तो सेम वही कंडीशन इसमें आ जाएगा आपके पास में क्या आएगा तो इधर साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी माइनस थ्री साइन ए साइन बी साइन सी दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ये आएगा ट्राइंगल में ये तो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता क्लियर है तो अंदर इधर ब्रैकेट में आपके पास में क्या आएगा साइन स्केयर ए प्लस साइन स्केयर बी प्लस साइन स्केयर सी ठीक है सो दिस इज इक्वल टू वट जीरो के इक्वल है ना ये जीरो के इक्वल रहेगा जब इधर की तरफ आप ले जाओगे इसमें तो ये आपके पास में, minus square a, तो a, है माइनस साइन स्केयर ए तो साइन ए इधर क्या रहेगा आपके पास में तो साइन स्केयर साइन ए साइन बी साइन बी साइन सी माइनस साइन सी साइन ए So, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा तो ये जीरो के इक्वल आएगा आपके पास में साइन स्केर एन स्केयर बी प्लस स्केर सी साइन ए साइन बी तो इसको अपने देखो इस तरीके से लिख सकते हैं तो साइन ए माइनस साइन बी होल स्केयर प्लस साइन बी माइनस साइन सी होल स्केयर एंड प्लस साइन सी माइनस साइन ए होल स्केयर इक्वल टू जीरो ओके तो ये आपके पास सम ऑफ दीन नंबर का Zero, तो zero, तो दे आर सेपरेटली सारे अलग-अलग के इक्वल होंगे तो आपके पास में इसका मतलब क्या हुआ तीनों एंगल्स इक्वल हो विल बी so तो ट्रायंगल कैसा होगा इक्विटेड ट्रायंगल तो आंसर क्या हुआ ट्रायंगल तो संभव त्रिभुज हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन

साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसा हो गया तो माइनस कोस थीटा तो ये आपके पास में यहां थीटा मोडलस तो में कोसेक थीटा माइनस टू टेन थीटा कोड थीटा दिस इज माइनस टू इक्वल टू माइनस वन इस फॉर्म में आ गया तो अब इसको आपने सॉल्व किया तो ये तो कैंसिल हो गया तो इधर अपने पास में वन प्लस तो ये वन प्लस साइन थीटा थीटा। इस में आया। okay? तो इसको देखो अपने ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास में देखे तो आपके पास से मोडसिव इन फर्स्ट थीटा, थीटा बिलोंग टू तो जीरो से पाइव बाई टू पर इसमें क्या पाव बाई फोर आ रहा है तो पाइव बाई फोर के लिए ये क्या आपके पास में नॉट डिफाइंड है तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता देखो ये वाले ऑप्शन हो गया तो, तो यहां से क्या आ रहा वन है वन था। था तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा अब देखो इसमें देखें अगर अपने पास में, पास में पा पाई टू माइनस पाई पाई बाई टू से पाई तो ये वाला आपके पास में जीरो नहीं होगा इसमें ठीक है ना तो पाई बाई फोर रखोगे देखो थ्री पाई बाई फोर रखोगे दिस विल बी पॉजिटिव तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा तो फॉर दिस आपके पास में पाइव बाई टू से आपके पास में बाकी ऑप्शन में आप देखोगे चेक करोगे तो ये रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको ठीक है ना तो उसमें देखो पाई से थ्री टू में ये आपके पास में क्या आ जाएगा नेगेटिव ठीक है तो नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पर उस केस में देखो आपके पास में ये पाई से थ्री फाइव बाई टू में फिर कहीं ना कहीं ये जीरो बनेगा कहाँ पे फाइव पाइव बाई फोर पे ये जीरो बनेगा तो ये नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता तो आंसर थ्रू दिस क्वेश्चन इज सेकेंड वन तो इसमें देखो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा फिर आपके पास में थीटा बिलोंग्स टू पाइवेट से पाई तो ये वाला पार्ट क्या होगा कट जाएगा तो यहाँ से वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन तो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन तो नेक्स्ट क्वेश्चन

स्केयर आएगा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो माइनस अंडूट वन माइन वन प्लस साइन एक्स होल स्केयर इस फॉर्म में आएगा तो इसको अपने सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है आपके पास में वन माइनस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स ठीक है तो फिर प्लस टू अंडूट में वन माइनस साइन और वन प्लस साइन इस तरीके का आएगा ठीक है तो इधर वन माइनस साइन एक्स और माइनस वन माइनस साइन एक्स तो ये कैंसिल हो गया अब इधर आपके पास में वन टू प्लस टू अंडूड में वन माइनस साइन स्र एक्स ठीक है तो ये वन से वन कैंसिल हो गया तो माइनस टू साइन एक्स ओके तो ये आपके पास में क्या आ गया मोडलस कोश एक्स तो टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा वन प्लस मोडलस ऑफ कोश एक्स माइनस साइन एक्स इस फॉर्म में आया तो एक्स लाइंग इन थर्ड x का फार्मूला लगाओ वन माइनस को सेक्स का अगर अपने फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास में टू साइन अपॉन में माइनस टू साइन एक्स वाई टू अपॉन एक्स वाई टू मतलब ये नीचे चल रहा है तो ये कैंसिल हो गया इधर ये साइन एक्स वाई तो क्या आ गया माइनस का टेन एक्स वाई टू सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कॉस फाइव बाई

फर्स्ट एंगल कितना है 10 है अपॉन में टू फाइव साइन पाई बाई टेन ये रहेगा ओके okay? तो अब इसमें देखो ये आपके पास में बन गया थर्टी टू तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं साइन थर्टी टू आएगा तो इसमें क्या आएगा आपके पास में थ्री प्लस थ्री पाई प्लस टू पाई बाई टेन इस तरीके से आएगा सो दिस इज 32 एंड साइन पाई बाई टेन सो so, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया थर्ड में चला गया तो नेगेटिव आएगा तो माइनस साइन माइनस साइन थ्री पाई बाई सॉरी टू पाई बाई टेन ओके सो अपॉन में थर्टी टू साइन पाई बाई टेन अब इसमें साइन टू ए का फार्मूला लगाएंगे तो साइन टू ए का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास है माइनस टू पाई बाई टेन कॉस पाई बाई टेन अपॉन में थर्टी टू पाई बाई टेन ओके सो दिस इज सिक्सटीन एंड ये साइन तो कोस सेटिन कोस सेटिन की वैल्यू क्या होती है प्लस टू रूट फाइव फोर सो so, ये है तो आपके पास में क्या आ जाएगा अंडू टेन प्लस टू रूट फाइव अपॉन सिक्सटी फोर तो आंसर टू दिस क्वेश्चन है फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ थ्री कोट 76 सिक्स 16 सिक्सटीन डिग्री अपॉन कोट 76 सिक्स कोट सिक्सटीन डिग्री तो इसकी वैल्यू पूछिए ना तो अब देखो इसमें इसको क्या करेंगे अपने थ्री प्लस कोस 76 सिक्स कोट कोट है सॉरी कोट 16 डिग्री अपॉन कोट 76 सिक्स कोट सिक्सटीन डिग्री इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं तो साइन कोस में चेंज किया तो हमारे पास में क्या आ आएगा थ्री साइन सेवन सिक्सटीन डिग्री प्लस इधर आपके पास में क्या आ जाएगा एंड कोई साइन कोस में, में बदलेंगे तो डिनोमिनेटर में वो साइन सेवेंटी सिक्स और साइन सिक्सटीन वो कैंसिल हो जाएगा तो इधर आपके पास में क्या आएगा कोवेंटी सिक्स साइन सिक्सटीन प्लस ये प्लस में है ओके okay? नीचे प्लस है तो इधर क्या आएगा आपके पास में

ये आपके पास में कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया इसमें फिर कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस और इधर माइनस कोस नाइनटी टू प्लस साइन नाइन्टी टू साइन नाइनटी टू डिग्री तो दिशन टू वन ओपॉइन टू वन, वन वन माइनस वन माइनस कॉस नाइनटी टू सो अपॉन साइन नाइनटी टू तो इसको देखो अपने क्या है टू साइन स्क्वायर 46 डिग्री अपॉन टू साइन 46 डिग्री कॉस 46 डिग्री तो ये कैंसिल हो जाएगा एक आपके पास में इधर क्या आ जाएगा टेन 46 डिग्री ओके दिस यू कैन राइट कॉट फोर्टी 44 क्वर्टी 44 डिग्री सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फर्स्ट वन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या है कॉस केयर सेवनटी थ्री प्लस कॉस केयर फोर्टी सेवन प्लस कॉस सेवनटी थ्री कॉस फोर्टी सेवन डिग्री ठीक है इस इसकी वैल्यू पूछिए तो सिंपल सा क्वेश्चन है तो देखो इसमें कॉस केयर सेवनटी थ्री कॉस केयर फोर्टी सेवन प्लस कॉस सेवनटी थ्री कॉस फोर्टी सेवन डिग्री इसको मैं साइन में चेंज कर लेता हूं तो स्केर माइनस साइन स्केयर बी कॉस ए प्लस बी माइनस बी होता है तो देखो इसको अपने क्या करें को 73 इधर वन प्लस लिख लें तो माइनस का तो साइन लें और टू से डिवाइड कर लें तो ये आ गया कोस फोर्टी सेवनटी थ्री फोर्टी सेवन डिग्री ओके सो इसको फिर अपने क्या लिखेंगे ये वन प्लस कौ से प्लस भी कौ माइनस भी वन ट्वेंटी और कोस अगर इसको सप्टेट करोगे तो यू विल ट्वेंटी सिक्स डिग्री तो ट्वेंटी सिक्स डिग्री ठीक है इसमें फिर फार्मूला लगाया आपने कॉस वन ट्वेंटी एंड प्लस कॉस ट्वेंटी सिक्स डिग्री कॉस है प्लस भी कॉस है माइनस भी तो इधर आपके पास में ये वन ट्वेंटी माइनस वन पॉइंट ट्वेंटी कॉस ट्वेंटी डिग्री तो प्लस ये कितना बन जाएगा आपके पास में वन कॉस वन ओके तो ये माइनस प्लस का वन पॉइंट टू कॉस ट्वेंटी डिग्री ओके okay, तो ये और ये वाला पार्ट क्या कैंसिल हो गया तो इधर क्या करोगे तो माइनस वन टू सो वन माइनस वन माइनस वन फोर सो दिस इज थ्री बाई फोर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थ्री बाई फोर सो थर्ड ऑप्शन तो नेक्स्ट क्वेश्चन

इससे हमने क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो देखो अपने पास में यहां पे साइन थीटा किसके इक्वल है ए अपॉन अंडूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र तो ये अपना साइन थीटा बन जाएगा तो देखो एक्चुअल में इसको अगर अपने ये साइन थीटा और उधर उसको वन अपॉन ये कोस अल्फा आ जाएगा साइन कोस में बदल देंगे इनको ठीक है तो इधर ये में बदलेगा तो थीटा दिस इज कॉस थीटा और ये वन अपॉन साइन अल्फा आएगा तो साइन अल्फा इधर ठीक है नीचे क्या आएगा, आएगा आपके पास में साइन अल्फा कोस अल्फा ओके अब इसमें देखो ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बना वैल्यू तो तो okay? तो डालो थीटा कितना आपके पास में थ्री अल्फा सो भी है अंडू टे स्केयर प्लस बी स्केयर दिस इज साइन थ्री अल्फा डालो टू एल्फा आएगा ओके okay? तो अपॉन साइन अल्फा कोस एल्फा ये अब इसको साइन टू अल्फा को क्या लिखोगे टू साइन अल्फा कोस अल्फा वो कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा आपको टू हंड्रुड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी है सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो इसमें क्या मिनिमम वैल्यू ऑफ द 8 cos2x 18 sec2x इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है वेयर एवर इट इज डिफाइंड ये डिफाइंड होना चाहिए जहां पे ठीक है तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे इसमें 8 cos2x 18 sec2x इसको लिखा मैंने 8 cos2x 8 sec2x 10 sec2x इस तरीके से लिख दिया अब मैं इसमें से एट कॉमन निकाल लेता हूं और इसको को स्केयर एक्स प्लस सेक्सक्र एक्स को अपने ऐसे होल स्केयर में लिख देते हैं ओके प्लस टू प्लस टेन सेक्स सेक्सक्र एक्स ठीक है इधर आपके पास में एट एक्स माइनस सेक् एक्स होल स्केयर प्लस सिक्सटीन प्लस टेन सेक्स सेक्सक्र एक्स ये आ गया ठीक है अब अपने पास में देखो इसको आप थोड़ा सा चेक करें तो ये मिनिमम वैल्यू कब होगी इसकी मिनिमम इज जीरो जब ये जीरो मिनिमम होगा वेन ये जब जीरो होगा तो आपको पता है कोश एक्स माइनस सेक एक्स दे आर इक्वल तो ये मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा कोश एक्स माइनस सेक एक्स इक्वल टू जीरो तो यहां से कोस केयर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में वन के तो x इजिकल टू क्या हुआ आपके पास में जीरो रखोगे तो यू हैव मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या आ गई फिर आपके पास में यहां पर मिनिमम वैल्यू है थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन

तो देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए टेन टी वाई टू की इसको अपने साइन टी और cos t में के हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा लो तो देखो इसमें आपके पास में क्या आएगा तो टू टेन टी वाई टू अपॉन वन प्लस टी वाई टू प्लस वन माइनस टेन स्केर टी वाई टू अपॉन में वन प्लस टेन स्केयर टी वाई टू इक्वल टू वन अपॉइन फाइव

सो so, इसको देखो आपने टू से डिवाइड करे टू so, से डिवाइड करने पे आपके पास में थ्री एक्सर माइनस फाइव एक्स माइनस टू अब इसके फैक्टर माइनस एक्स माइनस टू तो एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या आ रहा है माइनस थ्री आ रहा है एक तो ठीक है और एक एक्स इजिकल टू टू आ रहा है सो so, यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपके पास में कौन सी वैल्यू है दोनों में सो वो दैट इज द आंसर तो ये टेन टी वाई टू हो गया माइनस वन अपॉन थ्री सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है माइनस वन थ्री, तो इसमें टू दे नहीं रखा तो इसी को अपने टिक करेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें देखो आपको क्या रेंज इस फंक्शन की रेंज पूछा है तो फंक्शन क्या इसकी रेंज पूछा है तो देखो एफ एक्स इजिकल टू क्या लिखोगे आप एफ एक्स इजल टू लॉग ऑफ रूट फाइव इसको देखो मैं क्या लिख देता हूँ थ्री प्लस इसको वन एट्टी पाई प्लस देखो ऐसे कर देते हैं कॉस पाई माइनस इस तरीके से लिख देते हैं पाई बाई फोर माइनस एक्स ये इस फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको तो प्लस कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स तो ऐसे फिर आपके पास है प्लस कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स इस फॉर्म में ये आ गया अब ऐसे ही फिर इसको अपने चेंज कर देते हैं देखो माइनस कॉस तो ये क्या गया पाई माइनस थ्री पाई बाई फोर सॉरी पाई बाई फोर पाई बाई फोर करेंगे ठीक है तो पाई बाई फोर ये माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास में इधर वाला लास्ट वाला टर्म है ना तो ये प्लस का एक्स हो गया ओके देखो इस फॉर्म में तो अब अपने देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो लॉग रूट फाइव मतलब लॉग के बेस में रूट फाइव तो ये आपके पास में थ्री माइनस कॉस फाइव बाई फोर माइनस एक्स तो प्लस कॉस पाई बाय फोर प्लस एक्स फिर प्लस कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स तो ये आपके पास से प्लस का हो जाएगा प्लस कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स तो अब पास में ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया तो क्या आ रहा है तो लॉग लॉग रूट में इसके बेस फाइव सो हियर थ्री माइ प्लस का टू कोस पाई बाई फोर प्लस एक्स ये बनेगा अब देखो अपने पास में इसकी जो रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफेक्स टोटली किस पे डिपेंड करती है इस पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक दौड़ेगी आपके पास में -2 से माइनस टू से टू तक क्योंकि दो इसके साथ में मल्टीप्लाई है जब प्लस का टू होगा तो इसकी एफेक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जब यहाँ पे प्लस का टू रखोगे तो ये फाइव आ जाएगा इसकी फाइव रेशन अपन टू तो टू बाहर आएगा ठीक है तो लॉग फाइव बेस फाइव तो टू इंटू में तो दैट इज वन तो एफ मैक्सिमम कितना हो गया आपके पास में एफ मैक्सिमम ये मैक्सिमम आपके पास में कितना हुआ? टू अच्छा मिनिमम जब आपके पास में दिस इज माइनस टू होगा माइनस टू तो थ्री माइनस टू दट इज वन तो जीरो. तो एफ मिनिमम क्या आपके पास में एफ मिनिमम मिनिमम तो रेंज क्या होगी फिर आपके पास में रेंज क्या होगी इसकी रेंज वी है जीरो टू टू ओके तो ये आपके पास में इस फंक्शन की रेंज होगी तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में देखो x, y की वैल्यू दे रेंज दे रखी है x and y तो इसमें देखो आपके पास में कोस x प्लस so x प्लस y इज इकल टू थ्री बाई टू आप इसमें क्या करो इसमें सी डी फार्मूला लगाओ 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू ओके इसको क्या करोगे आप इसमें का फार्मूला लगा दो टू को स्केर माइनस वन तो इसमें मैं टू कॉस स्केयर एक्स प्लस वाई अपॉन टू ये प्लस का वन बनेगा इक्वल टू थ्री बाई टू ऐसा हो गया अब इसको देखो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास में क्या आ रहा है फोर को स्केयर एक्स प्लस वाई अपॉन टू ओके okay? तो इसको प्लस में उस फॉर्म में लिख देते हैं ये माइनस का टू कॉस एक्स प्लस ठीक है और टू उधर जाएगा तो ये प्लस का फोर हो जाएगा इधर टू से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज फोर ठीक है और इधर आपके पास में ये प्लस का वन इजिकल टू जीरो अब देखो मैं इसको परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं कैसे फोर को स्केयर एक्स प्लस वाई अपॉन टू माइनस फोर कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू देखो यहाँ पे ये तो परफेक्ट स्क्र फॉर्म में है, तो देखो इधर क्या आपके पास में एक टर्म और कौन सा है कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू है तो मेरे को इसका स्क्यर ऐड करेंगे इसी का स्क्वेयर में सब करूंगा देखो कॉसर एक्स माइनस वाई तो वन माइनस को स्केयर एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू किसके जीरो के ओके okay. तो ये किसका होल स्केयर बन गया आपके पास में कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू माइनस कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू होल स्केयर ठीक है तो इधर क्या आ गया साइन स्केयर एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू जीरो बोलो ठीक है तो अब अपने पास में ये भी देखो होल स्केयर में ये भी होल स्केयर में तो इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये देखो जब आपके पास में साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू जीरो वाई ओके तो यहां पे आपके पास में एक्स इजिकल टू वाई आ गया तो यहां से देखो अब इधर ये भी तो आपके पास में क्या आएगा इक्वल टू जीरो होगा तो उसमें देखो कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू ठीक है यहां पे दो है दो ठीक है तो ये भी आपके पास में माइनस वन इक्वल टू जीरो क्योंकि एक्स माइनस वाई इसमें रखोगे तो ये वन बनेगा तो ये भी तो यहां से आपके पास में एक्स प्लस टू क्या आ गया तुम्हारे पास में पाई बाई थ्री ठीक है तो एक्स प्लस वाई इज टू टू पाई बाई थ्री तो टू पाई बाई थ्री आ गया तो एक्स और वाई क्या हो गए सिक्सटी डिग्री हो गए दोनों इक्वल है बोथ आर इक्वल एक्स एंड वाई बहुत आर इक्वल टू सिक्सटी डिग्री तो आपके पास में एक्स और वाई सिक्सटी डिग्री के इक्वल है तो so, यहाँ पे क्या है साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी प्लस कॉस सिक्सटी सो वी हैव दिस इज वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन

सो दिस विल बी वन प्लस कॉस स्केयर टेन तो यहां पे आपको सीधा फार्मूला लगाना है कोई बात नहीं इसमें देखो साइन स्केयर फिफ्टी ठीक है इधर क्या आएगा आपके पास है दिस इज कॉस सिक्सटी और प्लस कॉस फोर्टी हो गया अब इधर क्या इसमें इस भी देखो आप फार्मूला लगाओगे यहाँ पे क्या आएगा वन प्लस कॉस तो क्या आएगा आपके पास कॉस ए प्लस बी कॉस सिक्सटी एंड कॉस फोर्टी ओके okay? तो ये आपके पास में माइनस का वन पॉइंट फोर ये माइनस का वन पॉइंट टू कॉस फोर्टी तो ये और ये वाला पार्ट क्या है कैंसिल हो गया आपका क्योंकि ये कॉस सिक्सटी है तो क्या आ गया आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थ्री बाई फोर सो थ्री बाई फोर तो सो सेकेंड ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है टू 150 मीटर एक दूसरे से एक पचास मीटर दूरी पर हैं। कहता है एक की हाइट क्या? दूसरे की हाइट की तीन गुनी है मतलब थ्री टाइम्स है इफ द फिर कहता है इफ फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ दाइन फीट उनके फीट को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से ऑब्जर्वर फाइंड को एक व्यक्ति को क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिलते हैं to so, है, तो देखो इसमें सोल्यूशन में क्या करेंगे ऐसा है आपके पास में देखो ये पोल दूसरा हो गया ये बड़ा हो गया मतलब पोल तो so, इसमें आपको इस ये ए बी और ये सी डी ठीक है सो दिस इज द मिड पॉइंट बिटवीन द इसको अपने पी ले लें पी पॉइंट ले लिया ओके सो टोटल कितना है 150 दिस दिस इज इज 75 75 अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है थीटा थीटाज करो और इसका फिर क्या होगा आपके पास में 90 माइनस थीटा ये ऐसे कह रहा है क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर्स फ्रॉम दिस पॉइंट पी से पी से आपके पास में दोनों टावर्स के एंगल एलिवेशन क्या है एक का थीटा है तो दूसरे का 90 थीटा है ओके okay? तो अब अपने को देखो इसकी इसकी है 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 तो तो कितनी कह रहा है? वो 3H कह रहा रहा वो तो अपने टेन लगा लें तो यहाँ से देखो इस ट्रेंगल की बात करें तो टेन थीटा विल इक्वल टू टेन थीटा बी है 3H तो सिमिलरली इस ट्रायंगल में देखें बेटा इस ट्रायंगल में क्या आएगा आपके पास में सो टेन ऑफ 90 माइनस थीटा टेन ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज एच अपॉन सेवेंटी फाइव आएगा सो एच इज इक्वल टू आपके पास में किसके इक्वल आ गया 75 फाइव थीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो थ्री एस तो वी हैव सेवेंटी फाइव टेन थीटा इंटू थीटा क्या होगा so, वन सो वो वन आ जाएगा ठीक है टेन थीटा कोट थीटा वी हैव वन तो अब अपने पास में एस स्क्र इज इक्वल टू वी हैव 75 फाइव इंटू सेवेंटी फाइव ओके अपॉन थ्री सो दिस इज ट्वेंटी तो एच इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास में एच इज इक्वल टू बी है नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिफ्टी क्वेश्चन में बेटा आपके पास में टू पोल्स ए बी ऑफ लेंथ मीटर्स एंड सी डी ऑफ लेंथ ए प्लस बी सो इज़ नॉट इक्वल टू ए सो मीटर्स आर एरेड एट सेम ओरिजेंटल लेवल सेम ओरिजेंटल लेवल पे विदिस बी एंड डी सो एफ बी इक्वल टू एक्स एंड टेन ऑफ ए सी बी इज इकल टू वन अपॉइंट टू तो देखो अपने पास में जैसे देखो एक ए बी टॉवर है एक ए बी पोल है ठीक है एक क्या है सी डी पोल है So, इसकी ये आपके पास में यहां पर बी ये ए एंड दिस इज सी दिस इज डी एंड दिस इज सी ऐसा है इनके बीच का डिस्टेंस कितना एक्स है तो अब अपने पास में ये ए है दिस इज ए प्लस बी ठीक है यहां से इसको मीट करा तो ये अपने पास में ये ए हो गया तो ये कितना हुआ बी क्लियर है अब इसको देखो

X A B. ये एक्स अपॉन ए प्लस बी ये वैल्यूज मैंने निकाल के रख ली अब अपने पास में देखो टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन थीटा टेन अल्फा ओके तो यहां पर देखो टेन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन बी और इधर इसकी वैल्यू डालो तो एक्स अपॉन बी प्लस ए तो ये टेन अल्फा टेन अल्फा आपके पास में वन अपॉन दे रखा है वन अपॉन इधर वन माइनस वन सो टेन थीटा भी है एक्स ए प्लस बी अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा ना तो देखो ये किस फॉर्म में आएगा इधर तो टू एक्स एक्स अपॉन बी सो टू एक्स इधर तो प्लस ए प्लस बी अपॉन में इधर टू ए प्लस टू बी इधर माइनस का एक्स ओके अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो आप देखो क्या बन रहा है आपके पास में इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए एक्स प्लस टू बी एक्स माइनस एक्स स्क् और इधर टू बी एक्स प्लस ए प्लस बी इन टू इक्वल टू जीरो तो तो अब इसमें एक्स तो से टू बी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का टू ए एक्स और प्लस का बी ए प्लस बी इज इक्ल टू जीरो तो ये आपके पास में आंसर बन गया एक्स स्क्र माइनस टू ए एक्स स बी ए प्लस बी सो बीच ऑप्शन इज करेक्ट हिस्सर दर्ड ऑप्शन सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में टेन ए प्लस साइन ए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो इसमें तो को एड करें तो क्या आता है आपके पास टू टेन एजिकल टू पी प्लस क्यू सो टेन ए इजिकल टू पी प्लस क्यू अपॉन टू ओके अब अपने पास में दोनों को सपरेट करें तो टू साइन ए किसके इक्वल पी माइनस क्यू तो साइन ए ओके दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या आता है टेन ए a तो किसके इक्वल आ गया पी स्क्र माइनस क्यू स्केयर अपॉन टू तो टू को मैं इधर ले आता हूं फोर आएगा ना सॉरी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा फोर ओके okay? तो फोर टेन है साइन है तो सिमिलरली जब आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों को देखो पी क्यू जब मल्टीप्लाई किया तो टेन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए ऐसा आएगा पी तो क्यू ऐसा आएगा सो so, ये आपके पास में टेन स्केयर ए तो इसको मैं साइन स्केर एपोन को स्केयर ए माइनस साइन इज इक्वल टू पी क्यू तो इसको अपने साइन स्केयर ए को कॉमन ले लें यहाँ से तो आपके पास में वन माइनस को स्के रे अपॉन कॉस के रे आ गया ठीक है इस फॉर्म में आ रहा है ठीक है तो पी क्यू तो आपके पास में पी क्यू क्या बन गया ये साइंस के रे इंटू साइंस के रे तो क्या होगा टेन्स के रे इंटू साइंस के रे ये रह गया ठीक है अब देखो अपने को वैल्यू किसकी पूछी है? इसकी वैल्यू पूछिए तो देखो आपके पास में क्या आ जाएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर स्केयर अपॉन पी क्यू इसकी वैल्यू डालोगे तो इसका सिक्सटीन आ जाएगा सिक्सटीन तो टेंस के रे तो अपॉन क्या है टेंस के रे साइंस के रे ओके okay? ये कैंसल तो क्या आएगा आंसर सिक्सटीन तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फर्स्ट ऑप्शन तो सिक्सटीन तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखो इसमें टेन पाई बाई सिक्सटीन प्लस टू कॉट पाई बाई एट प्लस फोर तो देखो इसमें एक जनरल सा फॉर्मूला लगता है टेन थीटा प्लस टू कॉट टू थीटा सो दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा कॉर्ट थीटा के इक्वल होता है इसमें सेम वही है देखो आपके पास में टेन पाई बाई सिक्सटीन तो टू टेन पाई बाई एट इसको मैं फोर इसके साथ में क्या लिख देता हूं कॉट पाई बाई फोर ओके सो so देखो ये एंगल क्या है इसका ट्वाइस है तो टू इसमें से कॉमन निकलेगा देखो आपके पास में टेन पाई बाई सिक्सटीन प्लस टू टेन पाई बाई एट प्लस

फर्स्ट एंगल प्लस हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स देर हंड्रेड तो नाइनटी नाइन एक्स अपॉन टू प्लस साइन हंड्रेड एक्स अपॉन टू अपॉन में साइन फर्स्ट एंगल डिफरेंस कितना यहां पे डिफरेंस ऑफ एंगल्स अपॉन टू साइन एक्स अपॉन टू तो ये यहां पे नंबर ऑफ एन एक्स अपॉन टू ठीक है तो यहां पे आपके पास में ये अब इसमें एक्स की वैल्यू अपने को रखना है तो ये आपके पास में क्या बन गया कॉस भी है वन हंड्रेड वन एक्स अपॉन टू और साइन हंड्रेड एक्स अपॉन टू सो दिस इज साइन एक्स बाई टू ओके तो अब अपने को कैलकुलेशन करना यहाँ पे देखो जब इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये आपके पास में क्या आएगा कॉस यहाँ पे टू से टू कटेगा तो कॉस वन हंड्रेड पाई अपॉन थ्री और ये साइन हंड्रेड पाई अपॉन थ्री ऐसा हो गया और इधर आपके पास में ये बन गया साइन पाई बाई थ्री ओके okay? तो इसको देखो अपने क्या लिखेंगे कॉस तो ये आपके पास में थर्टी थ्री पाई प्लस टू पाई बाई थ्री ठीक है इधर साइन तो ये बन गया आपके पास में थर्टी थ्री पाई प्लस पाई बाई थ्री ऐसा हो गया नीचे क्या बन गया आपके पास में साइन पाई बाई थ्री तो ये कौन से में, में चला गया थर्ड क्वार गया ये भी थर्ड क्वार्टर में चला गया तो नेगेटिव बनेगा तो एक्चुअल में देखो आपके पास में ये क्या आ रहा है माइनस और sin ये भी माइनस का आएगा माइनस का नीचे क्या हुआ साइन पाई बाई थ्री तो ये कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया तो मेरे को ये बताओ साइन टू पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है वो आपके पास है माइनस हियर भी है साइन टू पाई बाई थ्री

ठीक तो तो है प्लस सेवन कोस गामा प्लस नाइन कोस डेल्टा प्राइम पॉजिटिव नंबर्स तो मतलब इनका जो दोनों का एम और एन का कितना होना चाहिए वन होना चाहिए तो वो क्या आपके पास में सख्या हो गई तो आपको एम प्लस एन की वैल्यू पूछिए तो देखो अब इसमें इस तरीके से देखो आप है ना इसमें क्या करेंगे हम तो इस तरीके से अपने स्केयर ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे आपके पास में इसमें देखो इस तरीके से अपने स्क्वेयरिंग एडिंग करेंगे तो भाई जैसे देखो आपने पास में ये वाला तो टू कॉस अल्फा और आपके पास में नाइन कॉस डेल्टा इनके स्केयर कोफिश के स्कर्स का सम करते हैं तो एटी आ रहा है इसमें भी आपके पास में देखो इनके स्केफिशंट के स्कर्स का सम फिशेंट्स के स्क्वेयर्स का सम आपके पास में 85 आ रहा है तो अपने इस तरीके से आप इनको स्कोयर ऐड करेंगे जहां पे इनके कोफिशंट के स्क्वेयर्स का सम सम दोनों में 85 बन रहा हो तो देखो क्या होगा अब इसमें तो टू cos टू cos अल्फा प्लस नाइन कोस डेल्टा ऐसे लिख लिया माइनस सिक्स कोस बीटा प्लस सेवन कोसा इस तरीके से ठीक है इधर टू साइन अल्फा माइनस नाइन साइन डेल्टा इज इक्वल टू इधर क्या आएगा आपके पास में सिक्स साइन बीटा और माइनस साइन माइनस सेवन साइन का स्केयरिंग एडिंग करोगे स्केयरिंग एडिंग करेंगे तो देखो यहां से आपको साइन केयर अल्फा प्लस कोस केर अल्फा तो एट्टी फाइव एट्टी फाइव ऐसा मिलेगा तो यहां से आपके पास में एटीन थर्टी सिक्स हो गया थर्टी सिक्स तो cos अल्फा कोस डेल्टा कोस अल्फा cos डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा ऐसा आएगा इसमें भी जब स्केरिंग एडिंग करोगे देखो यहां पे थर्टी सिक्स प्लस फोर्टी नाइन वो आपके पास में 85 फाइव आएगा 85 फाइव प्लस तो आपके पास में फोर्टी दैट इज एटी फोर एटी फोर आ रहा है ठीक है तो यहां पे आपके पास में कोस बीटा तो ये कोस गामा तो देखो आपके पास में कोस बीटा कोस गामा माइनस साइन बीटा साइन गामा तो कोस बीटा प्लस गामा तो क्या आ रहा है कोस बीटा प्लस गामा ऐसा आएगा ये ब्रैकेट में ठीक है तो इस पर एक, तो इस तो इसमें भी आपके पास में क्या बन गया ये थर्टी सिक्स ये एटी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपके पास में थर्टी सिक्स कॉस डेल्टा और इधर एट्टी फोर बीटा प्लस गामा ठीक है। अब देखो इसको अपने किस तरीके से लिख लेते हैं कॉस अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन कॉस बीटा प्लस गामा सो दिस विल बी ये देखो 12 की टेबल में आता है 7 अपॉन 3। सो so 7 अपॉन 3। सो म अपॉन एन। सो बड़ी द म प्लस एन। सो वी हैव 10। तो so आपके पास में म किसके आ गया आपके पास में टेन के तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इकल टू एस टू थीटा इज इक्वल टू बी तो देन आपके पास में बीच रिजल्ट इज ट्रू हियर आपको ये बताना है कौन सा रिजल्ट आ रहा है तो इसमें देखो आपके पास में थीटा प्लस साइन थीटा वी है इसको अपने क्या लिख सकते हैं थीटा माइनस इक्वल टू बी तो यहां से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू बी ऐसा आ रहा है तो यहां पे कॉसिटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू डालो ए दिस इज ए आपके पास में तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए ऐसा आ गया तो यहाँ से अब अपने इसको दोनों को देखें तो दोनों में यहाँ पर अब आपके पास में क्या करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो दोनों को ऐड कर लें पहले तो जब दोनों को ऐड किया तो टू कॉस थीटा किसके बराबर आ गया आपके पास में ए स्क्वायर प्लस सो वी हैव कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस ओके तो अब अपने जब इसको सब्ट्रेट करेंगे तो क्या आएगा ठीक है तो स्क्वायरिंग तो एडिंग करोगे तो क्या आएगा आपके पास में स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो वन इजिकल टू साइन थीटा प्लस को स्क आ जाएगा तो नीचे आपके पास में क्या आ जाएगा फोर ए स्क्र ठीक है तो ऊपर आपने जब इसका स्क्वेयरिंग एडिंग करोगे तो ऐसा रहेगा प्लस ठीक है तो इसमें जैसे सॉरी ये स्क्र है तो अब अपने पास में यहां से माइनस का टू ए स्क्र बी प्लस का टू ए स्क्वेयर बी वो कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा फोर ए स्क्र तो ये आपके पास में टू ए रेस्वा फोर प्लस बी स्क्र इस फॉर्म में आ रहा है तो यहां से आपके पास में ये दो तो टू ए

तो मैं वो वाला फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पे क्या आएगा 4 cos q 2 थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा अब अपने को देखो इसमें रिजल्ट में cos थीटा में कन्वर्ट करो इससे सारे को ना तो देखो ये आपके पास में क्या आ जाएगा इधर तो ये बना आपके पास में 2 cos² थीटा 1 cos q तो इधर आपके पास में 3 cos 2 cos² थीटा 1 इसको सिंप्लीफाई कर लो तो सिंपलीफाई करेंगे तो देखो आपके पास में यहाँ पे एट कॉस थीटा तो इधर क्या आएगा आपके पास में इसका स्क्र आएगा और फोर ट्वेल्व ट्वेल्व आ जाएगा तो ट्वेल्व cos फोर थीटा और इसका फिर माइनस का आ जाएगा तो वो आ जाएगा आपके पास में स्केयर थीटा इस तरीके से आएगा फिर माइनस का वन तो ये आपके पास है माइनस सिक्स कोस केयर थीटा और प्लस थ्री इस तरीके से इस फॉर्म में आएगा अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास में थर्टी टू ठीक है इस तरीके से आएगा अब अपने पास में इसको देखो 48 48 ओके okay, तो ये आपके पास में 24 तो माइनस एटीन प्लस का 18 आएगा 24 एंड प्लस का 18 कोस के थीटा सो दिस इज बी है सो माइनस फोर प्लस थे माइनस वन

ये आपके पास है माइनस वन सिक्सटी एट को स्केर थीटा और ये आपके पास में सो वन सिक्सटी एट साइन स्केर थीटा ओके तो इधर माइनस का फाइव सेवन सिक्स साइन थीटा cos थीटा क्लियर है तो यहां से देखो इसमें से कॉमन है माइनस माइनस वन सिक्सटी एट तो अंदर थीटा माइनस साइन थीटा बचेगा तो दैट इज कॉस टू थीटा क्लियर है तो अब इसमें देखो ये दिस थीटा थीटा क्लियर है तो इसको भी आप देखो साइन टू थीटा में चेंज कर लो माइनस माइनस वन सिक्स टू थीटाइनस फाइव टू सेवन अपॉन टू ये साइन टू थीटा हो जाएगा Clear? अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए देखो फाइनली ये एक्सप्रेशन आपके पास में इस फॉर्म में आ गया तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी फिर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू अंड्रूड में माइनस वन सिक्सटी एट स्क्वायर प्लस माइनस वन फाइव टू सेवन अपॉन टू होल स्क् स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो दिस इज तो ये आपके पास में सिंप्लीफाई करोगे थ्री नाइन जीरो सिक्स टू फाइव अपॉन फोर तो ये आपके पास में सिक्स टू फाइव का परफेक्ट स्क्वायर है तो सिक्स टू फाइव सिक्स टू फाइव अपॉन टू तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज भी है थर्ड ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन में देखो टेन क्यूब है अप ऑन वन प्लस के तो पी सके सके तो प्लस क्यू साइन को देन वैल्यू तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है पी और क्यू की वैल्यू बतानी है तो देखो अब इसमें तो इसको सिंपलीफाई किया आपने ये किसके सेक्स केयर ए के तो टेन क्यूब ए अपॉन सेक्स केयर ए प्लस इधर कोट क्यूब ए सो दिसक्स केयर ओके अब इसको साइन कोस में चेंज करें तो देखो साइन क्यूब ए तो नीचे क्या आएगा आपके पास में नीचे यहां पे कोस क्यूबे आएगा इंटू सेक्स के रे तो कॉस ए रहेगा कॉस है तो इधर आपके पास में कॉस क्यूबे अपॉन में तो क्या आएगा इधर साइंस के रे रेन्स के रे इंटू कॉस के रे तो एक साइन है बचेगा तो साइन है तो अब आपके पास में यहां पे क्या आया साइन अपॉन में साइन है कॉस ए क्लियर है इसको क्या करोगे वन माइनस टू साइन स्केर ए के इसके इक्वल होता है अपॉन में साइन ए कॉस जब सेपरेटली डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा यहाँ पे कुछ से के और सेक के तो माइनस दिस विल बी टू साइन ए कौश इस फॉर्म में आ गया सो नाउ कंपेयर विद दिस एक्सप्रेशन सो पी इज इक्वल टू बी है इज इक्वल टू एंड क्यू आपके पास है माइनस टू आ रहा है ओके सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में इन एनी ट्राइंगल एबीसी नॉट ए राइट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ओके okay? अगर राइट right एंगल हो जाता तो इसमें मतलब क्या होता है ये दिस एक्सप्रेशन बिकम जीरो राइट एंगल ट्रैंगल नहीं है तो इसकी वैल्यू पूछिए तो देखो तो सिग्मा कॉस ए कोसेक बी कोसेक सी तो इसका मतलब क्या हुआ कॉस ए कोसेक बी कोसेक सी प्लस कॉस बी फिर कोसेक ए कोसेक सी इस फोम में आएगा फिर कॉस है so, तो पहले आ गया यहाँ पे कॉस सी आएगा कॉस सी तो फिर आपके पास में कुसेक के कुसेक बी, इसको सबको साइन में बदल लो तो साइन में चेंज करेंगे तो आपके पास में कौश है अपॉन साइन बी साइन सी प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए साइन साँग सी ये आ गया अब इसमें आगे कॉस सी अपॉन साइन ए साइन बी ओके तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इधर देखो एल्सियम लेते हैं ना तो क्या आता है कॉस ए साइन ए कॉस बी साइन बी और कॉस सी साइन सी इस फॉर्म में आएगा नीचे क्या आएगा आपके पास में साइन ए साइन बी और साइन सी ऐसा हो गया तो अब इससे दो से मल्टीप्लाई करें दो से मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को तो ऊपर आपके पास में क्या बनेगा साइन टू ए साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी तो न्यूमिनेटर में हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ गया तो नीचे आपके पास में टू साइन ए साइन बी साइन सी ये अब आपको कंडीशनल आइडेंटिटीज़ देखो ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी बी सी साइन टू ए साइन टू बी प्लस साइन टू सी ये इक्वल किस, टू किसके होता है फोर साइन ए साइन बी साइन सी तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आया आपके पास है फोर साइन ए साइन बी साइन सी ओके सो अपॉन में टू साइन ए साइन बी साइन सी तो ये पार्ट कैंसिल हो गया तो यहाँ से आंसर क्या आ गया टू सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है सेकेंड ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पे साइन पाइव बाई नाइन प्लस फोर सेक नाइन तो इसको आप क्या है ट्वेंटी डिग्री में चेंज कर लो फाइव बाई नाइन क्या है ट्वेंटी डिग्री होता है तो ये आपके पास में क्या आ गया साइन ट्वेंटी प्लस फोर सेक ट्वेंटी इसको कोस में चेंज कर लो तो साइन ट्वेंटी फोर कॉस्ट ट्वेंटी प्लस वन अपॉन कॉस्ट ट्वेंटी इस फोर में आ गया इसको अंदर मल्टीप्लाई करें इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में फोर साइन ट्वेंटी cos ट्वेंटी प्लस साइन ट्वेंटी अपॉन कॉस्ट ट्वेंटी ओके तो इसको देखो किस फॉर्म में आगे चेंज करेंगे इसमें देखो टू साइन फोर्टी प्लस साइन ट्वेंटी इस फॉर्म में अपॉन cos ट्वेंटी अब यहां से साइन 40 प्लस साइन 20 अलग कर लो तो देखो इधर साइन 40 प्लस साइन 40 और साइन 20 अपॉन में कॉस 20 तो इधर साइन 40 तो इधर क्या आएगा आपके पास है टू साइन 30 टू साइन 30 कॉस यहां पे 10 आ जाएगा क्लियर है तो कॉस 20 तो ये आपके पास में साइन थर्टी क्या अपॉन टू होता तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इसको अपने किस में चेंज कर लेगा कॉस्ट ट्वेंटी ओके तो ये कैंसिल हो जाएगा कॉस्ट ट्वेंटी ये कैंसिल हो गया तो साइन सिक्सटी यू नो रूट थ्री अपॉन टू से आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फोर्थ वन नेक्स्ट तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है आपके पास में यहां पे, सो so, इस क्वेश्चन में देखें फर्स्ट एफ थीटा क्या है कॉर्थीटा एफ थीटा इज इक्वल टू कॉर्थ थीटा अपॉन वन प्लस कॉर्ड थीटा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में 225 डिग्री दे रखा ना तो अब अपने पास में इसकी वैल्यू पूछा है तो अब आप क्या करो इसमें पहले एफ थीटा तो वन अपॉइंटीटा सो प्लस वन थीटा सो वन अपॉइट वन प्लस टेन थीटा आ गया है ओके okay? तो अब अपने को देखो इसमें वैल्यू किसका पूछा है तो एफ अल्फा एफ बीटा so that, that will be equal to one upon upon plus plus tan tan alpha into one upon one plus beta Now, I mean beta value पे क्या upon सो plus tan pi pi by four minus alpha तो so 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 so, यहाँ पे tan a minus b का formula लगाएँगे हम तो so, tan a minus b का जब formula लगाओगे तो आपके पास में देखो किस form में आ रहा है तो 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 इधर तो इसमें तो कितना होता है आपके पास में That is one. तो यहां पे ठीक है तो टेन अल्फा अपॉन में वन प्लस टेन अल्फा तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में ये अल्सिम लेंगे तो टेन अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो यहां से टू आएगा तो वन अपोन तो ये आपके पास में सिंपल किसके इक्वल आएगा 1 अपॉइंट टू के इक्वल आएगा इसको जब एल्सियम लेंगे तो यहाँ से टेन अल्फा कैंसिल हो जाएगा टू आएगा तो वन प्लस टेन अल्फा न्यूमिनेटर में चला जाएगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा वन अपॉइंट टू सो टू एफ एल्फा एफ बीटा वी हैव इक्वल टू व्हाट वन सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में में देखो आपके पास में क्या है? Cos x cos x x cos x. इसकी है तो देखो पहले आपने इसको किसमें चेंज कर ले तो टू को स्केर एक्स माइनस वन में क्लियर है तो देखो आपके पास में किस फॉर्म में ये आता है तो उसको या तो इस तरीके से देख लो या वन माइनस टू साइंस के एक्स में चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे आप क्या उसकी वैल्यू डाल देंगे साइंस के एक्स की तो इसे देखें तो कॉस टू एक्स प्लस टू कॉस एक्स इजिकल टू वन इसको मैं वन माइनस टू साइंस स्केर एक्स प्लस टू कॉस एक्स इजिकल टू वन इस फॉर्म में लिख दिया तो ये वन से वन कैंसिल हो गया तो आपके पास में क्या आ गया कोस एक्स इजिकल टू बी ओके तो देखो अब इसको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को निकालनी है तो क्या आएगा देखो साइंस केयर एक्स तो टू माइनस कोस स्केयर एक्स ओके तो साइंस केयर एक्स एंड दिस वी है ठीक है वन प्लस वन माइनस को स्केयर एक्स तो ये किसके होता है आपके पास में x, तो ये आपके पास में बन गया sin x, इस में आएगा तो फोर ये इस फॉर्म में आ गया क्लियर है अब अपने पास में देखो यहां पर मैं साइंस केयर एक्स की वैल्यू डाल देता हूं साइंस एक्स की वैल्यू किसके तो बराबर आपके पास में तो ये कौश एक्स ठीक है तो इधर आपके पास में को स्केयर एक्स आएगा पास में देखो यहाँ पर को स्केयर एक्स तो कोस एक्स प्लस एक्स की वैल्यू तो इसमें देखो अगर अपने इसको किसमें चेंज करते हैं तो टू को स्केयर एक्स माइनस वन तो उसमें देखो कॉस एक्स की वैल्यू कोस एक्स प्लस कोशकेयर एक्स आया ना आपके पास में देखो कॉस के क्या लिख सकते हैं यहाँ पे तो वन माइनस एक्स और साइंस एक्स आपका किसके इक्वल है इक्वल है तो 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 ये cancel हो गया सिंपल तो okay? तो मैंने क्या किया यहाँ पे पहले देखो इसकी वैल्यू निकाल ली लीयर टू एक्स अब यहां पर साइंसकेयर एक्स लिखा तो मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आपको साइंस केयर एक्स की वैल्यू डाल दी तो कोर एक्स को अपने लिख सकते हैं तो ये answer to this question is one. Okay? Next question. तो इस क्वेश्चन में देखो साइन फोर्टी सेवन प्लस साइन सिक्सटी वन माइनस साइन इलेवन साइन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू क्या सी डी फार्मूला लगाओ इसमें, देखो, इसमें, CD लगा। इसमें CD लगा। तो देखो आपके पास में क्या आ रहा है तो टू साइन सी प्लस साइन डी तो इसका जब आप सम करते हो तो आपके पास में कितना आ रहा है वन हंड्रेड एट ठीक है तो उसका हाफ तो टू साइन 54 एंड डिफरेंस इसका आ रहा है आपके पास में कॉस सेवन डिग्री तो माइनस इसको ब्रैकेट में जब लगाएंगे तो अपने पास में ये दिस विल बी इक्वल टू टू को फिर आपके पास में प्लस का ही आएगा टू साइन एटीन इस फॉर्म में आएगा क्लियर है प्लस में फिर कॉस सेवन डिग्री ओके तो इसमें से कुछ कॉमन है देखो आपके पास में टू कोस सेवन डिग्री तो हेयर भी है साइन फिफ्टी फोर डिग्री एंड माइनस साइन 18 डिग्री तो साइन 54 डिग्री को अपने क्या लिख सकते हैं तो टू कोस डिग्री थर्टी 36 डिग्री माइनस साइन एटीन डिग्री डालें तो so, देखो आपके पास में डिग्री so, इसकी वैल्यू क्या होती है रूट फाइव प्लस फोर माइनस रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर ओके तो जब इसको रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास में टू अपॉन फोर आएगा टू अपॉन फोर तो वन अपॉन टू तो कॉस सेवन डिग्री आ गया ये ओके तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू सेवन तो आंसर इज सेवन ओके नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस टू ए कॉस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स सेवन फोर एंड टेन एक्स वाई टू इज इकल टू सेवन तो अपने को वैल्यू पूछी है तो देखो अब इसमें, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो उसकी वैल्यू आपके पास में सेवन है तो मैं डायरेक्ट इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ तो ये आएगा वन माइनस कितना यहाँ पे सेवन स्कॉन वन प्लस स्कस वन एंड दिस इज फोर तो इसको सिंप्लीफाई किया आपने पास में देखो फिफ्टी सो ट्वेंटी फाइव आएगा यहाँ से क्लियर so okay? so है तो इधर आपके पास में ये कितना आ जाएगा सिक्स सेवन थ्री माइनस सिक्स सेवन थ्री ट्वेंटी फाइव अब इसके देखो आपके पास में इसके अगर फैक्टर करते हैं तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्लियर है तो इसके फैक्टर से आपको फैक्टराइजेशन करने के बाद में आपको ए की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे ट्वेंटी फाइव मिलेगी ओके okay? तो ए की वैल्यू जब इसको फैक्टराइज करोगे आपको ए की वैल्यू आपके पास में यहाँ से ट्वेंटी फाइव आएगी सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है तो इसमें देखो अगर आप देखें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सिक्स टू फाइव और सिक्स सेवन थ्री ये फैक्टर बनेंगे इसके जब इसमें सिक्स सेवन थ्री एंड सिक्स टू फाइव So have, इसका सबट्रैक्शन करते हो देखो सिक्स टू फाइव दिस इज सेवेंटी फोर्टी एट आ रहा है तो ये आपके पास में तो फैक्टर बनेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी ट्वेंटी फाइव सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ट्वेंटी फाइव ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वन है सो थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 देन वैल्यू ऑफ 7 कोस थीटा प्लस सिक्स साइन थीटा इसकी वैल्यू पूछिए तो देखो पहले इसमें टेन के हाफ एंगल का फार्मूला लगा लो ठीक है तो उसमें तो 2 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई ऐसा आएगा तो इधर टू टेन थीटा बाई अपॉन वन प्लस स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल टू वन अब आप टेन थीटा बाई टू को यहाँ पे क्या एक्स फुट कर लो तो टू माइनस एक्स टू एक्सर प्लस टू एक्स इक्वल टू वन प्लस तो थ्री एक्स स्क् हो गया इधर माइनस का टू एक्स आ गया इधर माइनस का वन तो यहां से आपके पास में एक्स की वैल्यू देखो एक तो माइनस वन अपॉइंट थ्री आ रही है और एक क्या रही आ रही है वन आ रही है ठीक है So, यहां से वन सो एक्सिकल टू वन तो लेंगे नहीं क्योंकि जब आप इसमें देखो टेन तो तो थीटा बाई टू आपका एक्स के बराबर है ना तो वन के को रखोगे तो थीटा यहाँ दैट इज नॉट पॉसिबल ये रिजेक्ट करना है ओके okay? तो यहाँ से क्या x is equal to minus one upon three. तो theta by two have take. को लेना अपने को theta by two. Minus one upon three. अब इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है कॉस की वैल्यू निकाल लो साइन की वैल्यू निकाल लो तो आपके पास में कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा इसमें देखो जब आप रखोगे तो वन थीटा अपॉन तो so, तो नीचे आपके पास में वो टेन अपॉन नाइन आ जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में माइनस सिक्स अपॉइंट टेन आ गया माइनस सिक्स अपॉन टेन तो ये वैल्यू जब इसमें रखोगे ना आप तो 56 देखो तो सीटा की वैल्यू पता लग गई साइन थीटा की वैल्यू पता लग गई इसमें जब रखोगे तो 56 सिक्स अपॉन टेन माइनस तो 36 सिक्स अपॉन टेन सो दिस इज 20 अपॉन टेन सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टू तो आंसर इसका टू आएगा ओके okay? तो so ये आपका मैथ कैम का पेपर नंबर फोर का सोल्यूशन था बेटा ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट सॉल्विंग टेस्ट फॉर केमिस्ट्री का हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं हेलो एलकेन हमें दिया हुआ है हेलो एलकेन एंड हेलो एरिन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी हेलाइड आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है इनमें से कौन सा प्राइमरी हेलाइड है नियोहेक्साइल क्लोराइड फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास हेक्साइल क्लोराइड और हेक्साइल क्लोराइड का मतलब ये क्लोराइड तो यहां पर आपको बताना ये है कि प्राइमरी हेलाइड कौन सा है यानी कि वन डिग्री हेलाइड कौन सा है तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन अपने को यहां पर देखना है कौन सा है कार्बन वन डिग्री ठीक है अगर मैं बात करूं सेकेंडरी ब्यूटाइल की तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब यह हुआ कि टू डिग्री कार्बन पे जो ब्रोमीन सॉरी क्लोराइड ग्रुप है वो टू डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है यानी ये आ गया आपके पास टू डिग्री यानी कि ये प्राइमरी हेलाइड नहीं है अगर हम बात करें किसकी आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल हेलाइड की तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड यहां पर दिया हुआ है आइसोप्रोपाइल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं तीन और यहां पर क्या लगा दिया आयोडीन ग्रुप लगा दिया और सबसे लास्ट में दिया हुआ है टर्सरी ब्रोमाइड यानी कि थ्री डिग्री थ्री डिग्री का मतलब क्या हो गया वन टू थ्री टोटल कार्बन कितने है? चार हो जाएंगे और यहां पर क्या लग जाएगा बी आर तो ये कार्बन कौन सा हो गया थ्री डिग्री हमें आइडेंटिफाई क्या करना है वन डिग्री तो वन डिग्री कौन सा हो जाएगा नियोहेक्साइल क्लोराइड इज द आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में आपको दिया हुआ है व्हेन टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम व्हेन टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम देन इट इज फर्स्ट ऑप्शन इज जेम डाई हेलाइड मींस अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जुड़े हो और दोनों हेलोजन कैसे होने चाहिए सेम होने चाहिए तो उस टाइप के हैलाइड्स को हम क्या बोलेंगे जेम डाई हैलाइड क्या बोलेंगे जेम डाई हैलाइड अगर हम बात करें विसिनल डाईहेलाइड या विस डाई हेलाइड की तो विस डाईहेलाइड का मतलब जो आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पे उसके एडसेंट कार्बन पे भी वही हेलोजन जुड़ना चाहिए ये मतलब अगर ये फॉर्मेशन आता है तो इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों विसिनल या विस डाई हेलाइट हो गया थर्ड की बात करें अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड क्या है अगर टर्मिनल कार्बन पे आपको कोई चेन दे रखी हो और उसके अंदर फर्स्ट कार्बन पे जो हेलोजन जुड़ा है वही हेलोजन अगर लास्ट कार्बन पे जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई तो ये तीन टाइप होती हैं जिसके अंदर हमें पूछा क्या था ये होगा नहीं ये होगा नहीं ये भी नहीं होगा हेलोजन एटम आर अटैच टू सेम सेम कार्बन मतलब एक ही कार्बन तो अपने पास ये टाइप आ गई तो आंसर क्या हो जाएगा जेम डाई हेलाइड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है सीएक्स बॉन्ड इज स्ट्रॉंगेस्ट इन आपको क्वेश्चन दे रखा है सीएक्स बॉन्ड इज स्ट्रॉंगेस्ट इन सबसे स्ट्रांग बॉन्ड किस में बनेगा CH3F में बनेगा CH3Cl में बनेगा या Br के साथ बनेगा या I के साथ बनेगा तो यहां पर हमें ये देखना है कि CH3 तो सब में कॉमन है ये आ गया फ्लोरीन ये आ गया CH3 के साथ क्लोरीन ये आ गया CH3 के साथ ब्रोमीन और ये आ गया सी एस थ्री के साथ आयोडीन ठीक है अगर हम डाउन टू द ग्रुप चलते हैं अगर हम डाउन टू द ग्रुप चलते हैं तो साइज क्या होगी इंक्रीज होगी अगर हम डाउन टू द ग्रुप चलते हैं तो साइज क्या होगी इंक्रीज होगी और साइज इंक्रीज होगी और स्ट्रेंथ क्या होगी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज यानी अगर सबसे स्ट्रॉगेस्ट की बात करें तो सबसे स्ट्रॉग कौन जाएगा जिसकी साइज सबसे क्या है कम है और सबसे साइज कम किसकी है सी एस थ्री एफ की तो सो सी एक्स बॉन्ड प्रबलतम किसमें हो जाएगा सी एस थ्री एफ के अंदर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है तो डाइपोल मोमेंट के लिए हम जनरली फॉर्मूला यूज करते हैं म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी यानी चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है ना तो यहां पर सीएस थ्री सी एल और सी एस थ्री एफ एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हालांकि ज्यादा है लेकिन क्लोरीन जो है क्लोरीन की डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हो जाएगा सी एस थ्री सी एल का अगर हम कार्बन फ्लोरीन की बात करें अगर हम कार्बन फ्लोरिन की बात करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है वन थर्टी नाइन पिकोमीटर कितनी होती है वन थर्टी नाइन पिकोमीटर और जबकि हम कार्बन और क्लोरीन की डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी होती है वन सेवनटी एट पिकोमीटर होती है कितनी होती है वन सेवनटी एट पिकोमीटर तो म्यू जो होता है यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस और चार्ज पे ना कि सिर्फ चार्ज पे नॉट जस्ट चार्ज अलोन नॉट जस्ट चार्ज अलोन दोनों पे डिपेंड करेगा यानी कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा तो इसलिए यहां पर जो डिस्टेंस दे रखी है कार्बन क्लोरीन की कितनी है ज्यादा है ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण तो डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका हो जाएगा सी एस थ्री सी एल का फर्स्ट आंसर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी थ्री एच एट तीन कार्बन की चेन है सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री प्लस सी एल टू रिएक्शन हुई लाइट के साथ रिएक्शन हुई लाइट के साथ और एक एच सी एल बन गया और सी थ्री एच सेवन सी एल यानी सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल प्लस एच सी एल आ गया है ना तो लाइट का मतलब क्या क्या है? रिएक्शन हो गई। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? म्यू भी लिख सकते हैं और म्यू आएगा इसका मतलब रिएक्शन कौन सी है आपको दिखाई दे रहा है रिएक्शन कौन सी हो जाएगी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो जाएगी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो यहां पर हम ऑप्शन देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है सब्सटीट्यूशन एडिशन नहीं होगा रीअरेंजमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है एलिमिनेशन भी नहीं होगा तो सब सही आंसर क्या हो जाएगा सब्सटीट्यूशन प्रतिस्थापन बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया हुआ है आपको द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना तो आपको दे रखा है फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन तो अगर हम साइज की बात करते हैं अगर हम साइज की बात करते हैं तो सबसे कम साइज है फ्लोरीन की उसके बाद में किसकी है क्लोरीन की उसके बाद में किसकी है ब्रोमीन की और उसके बाद में किसकी है आयोडीन की तो साइज जैसे जैसे, जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा Point का जो ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आर एफ तो कौन सा ऑप्शन आ गया थर्ड ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल हेलाइड अंडरगो रीअरेंजमेंट इन एस एन वन रीअरेंजमेंट इन एस एन वन का मतलब ये कि अगर आपके पास दिया हुआ है थ्री डिग्री के साथ ब्रोमीन है ना तो उसमें क्या होगा हमें यहां से निकालना क्या है बी आर निकालना है इनका इफेक्ट लगेगा बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं तो बी आर आप बड़ी आसानी से निकल जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा थ्री डिग्री कार्बो क्या बन गया थ्री डिग्री या टर्सरी कार्बो हम इसको बोल सकते हैं ये आ गया आपके पास क्या टर्सरी कार्बो केटाइन ठीक है बात समझ में आ गई अब हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा यहां क्लोरीन दिया हुआ है तो क्लोरीन क्या होगा अगर यहां से क्लोरीन निकलता है तो उस केस में इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ कि टू डिग्री कार्बो के टैन बनाए और टू डिग्री कार्बो के टाइन बनाए तो स्टेबल होने के लिए ये थ्री डिग्री में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा ये वाला जो सी एस थ्री है ये सी एस थ्री इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा मतलब रिएक्शन में क्या हुआ कि ये आ गया आपके पास सी एच थ्री ये आ गया सी ये आ गया सी एस थ्री और यहां पर चार्ज कौन सा पॉजिटिव चार्ज ये आ गया आपके पास सी एच और ये हो गया मिथाइल शिफ्ट तो ये हमने लिख दिया CH3 और ये आ गया CH3 तो यानी कि ये वाला जो कार्बो बना है ये क्या हो जाएगा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो यहां पर इसके अंदर शिफ्टिंग हो रही है रीअरेंजमेंट हो रहा है बात समझ में आ गई इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं सेकेंड को तो सेकेंड जैसे ही यहां से क्लोरीन निकलेगा तो यहां पर चार्ज कौन सा आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मतलब टू डिग्री हो गया तो थ्री डिग्री में कन्वर्ट होगा तो यहां पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी इस पर तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्या आ आ जाएगा ये गया आपके पास CH3, और यहां पर आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज तो रीअरेंजमेंट इसमें भी हो रहा है इसी तरह रीअरेंजमेंट इसमें भी हो जाएगा तो आंसर अपना क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट द रिएक्शन ऑफ टॉलवीन टॉलवीन की रिएक्शन टोलवीन की रिएक्शन ये है आपके पास टॉलवीन विद क्लोरीन रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं क्लोरीन के साथ कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3 की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करते हैं की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है आपको दे रखा है सी एस थ्री दिया हुआ है मतलब और, और पेरा पे क्या जुड़ जाएगा क्लोरीन मतलब ये ये हुआ कि ये आ गया आपके पास सी एस थ्री और यहां पर आ जाएगा क्या सी एल ये बन गया ओर्थो प्रोडक्ट और दूसरा क्या आ जाएगा ये आ गया सी एस थ्री और यहां आ जाएगा क्या क्लोरीन ये आ गया आपके पास पैरा प्रोडक्ट ठीक है तो मेटा पे बनेगा नहीं बेंजिल क्लोराइड कब बनता है जब एचमी या सनलाइट आता है तो अपने पास आंसर क्या जाएगा? आ जाएगा ओर्थो एंड पैरा क्लोरो आ जाएगा ठीक है तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नाइन नंबर नाइन में क्या दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है सीएच सीएल थ्री क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है सीएच सी एल थ्री when kept open open का मतलब अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है ये कौन सा ऑक्सीजन है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है इसके साथ अगर ये रिएक्शन कर लेता है तो इज ऑक्सिडाइज टू किसमें ऑक्सिडाइज हो जाएगा तो किसमें ऑक्सिडाइज हो जाएगा Cl2 में ऑक्सिडाइज हो जाएगा Cl2 के साथ क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा और ये जो सीओ सी एल टू है इसे हम क्या बोलते हैं कौन सी गैस है ये फोर्सजीन गैस है कौन सी गैस है फोसजीन ये आ गई आपके पास फोर्स और फोर्स का आपको पता है पॉइजनस नेचर है पॉइजनस गैस है ठीक है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टेन में दिया हुआ है क्या द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएिविटी ऑफ एल्कोहल विद हेलोजन एसिड इज हेलोजन एसिड के साथ एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें यहां पर देखना है तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ इसके अंदर सी एच थ्री सी एच टू ओ एच यानी कौन सा एल्कोहल है वन डिग्री एल्कोहल है अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन में ओ OH एच जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है मतलब ये वाला क्या हो गया टू डिग्री हो गया और अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें जिस कार्बन पे ओ OH एच जुड़ा हुआ है वो कार्बन तीन और कार्बन से जुड़ा हुआ है मतलब ये क्या हो जाएगा थ्री डिग्री हो जाएगा अब आपको पता है रिएक्टिविटी जो होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है थ्री डिग्री की उसके बाद में किसकी होती है टू डिग्री की और उसके बाद में किसकी होती है वन डिग्री की तो थ्री डिग्री वाला ऑप्शन कौन सा है सी तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी सी की हो जाएगी उसके बाद में बी की हो जाएगी और उसके बाद में ए की तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन क्वेश्चन में दे रखा है ऑफ द द फॉलोइंग विल करस्पॉन्डिंग एल्किल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एच सी एल एट रूम टेम्परेचर यानी निम्न में से कौन सा एल्कोहल कमरे के तापमान पर कमरे के तापमान पर कमरे पर कमरे के तापमान पर रिएक्शन करने का मतलब थ्री डिग्री होगा वो सिर्फ कमरे के तापमान पर रिएक्शन करेगा बाकी अगर हम वन डिग्री की बात करें तो जेड एन सी एल टू के साथ हमें उसको केटलाइज कराना पड़ेगा अगर टू डिग्री की बात करें तो भी जेड एन सी एल टू के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी तो इसमें क्या हो जाएगा थ्री डिग्री जो है क्योंकि यहां पर तीनों बल्कि ग्रुप जुड़े हुए ये थ्री डिग्री आ गया आपके पास तो थ्री डिग्री होगा तो यहां से ओ डिस्प्लेस जल्दी हो जाएगा इसका मतलब सबसे इजीली कमरे के तापमान पर जो इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है एच के साथ रिएक्शन करते हैं एच के साथ रिएक्शन करते हैं रूम टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे तो इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है इसे हम ल्युका टेस्ट भी बोलते हैं इंस्टेंट टर्बिडिटी

आ, और फिंग यानी हेलोजन एक्सचेंज हम अगर करते हैं तो आर एक्स की रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे एन ए आई के साथ करवा देंगे तो हेलोजन को आपको क्या करना है एक्सचेंज करना है तो क्या बन जाएगा आर आई बन जाएगा और साथ में एनए

इड which 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 dihalide? Which dihalide एक ही बात हैल डाई हेलाइड का मतलब क्या है कि अगर किसी कार्बन पे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर भी वही हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इस टाइप के इस टाइप के हेलाइड को हम क्या बोलेंगे विसिनल डाई हेलाइड यानी यहां पर आपको दिया हुआ है डाई क्लोरोमिथेन डाई क्लोरोमिथेन का मतलब एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं और एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं उसे हम क्या बोलेंगे जेम डाई हेलाइड इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा अगर मैं बात करूं वन टू डाई क्लोरो इत्हेन की इथेन का मतलब कितने कार्बन दो कार्बन

या अगर किसी sp3 कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उससे पहले वाला कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उस टाइप को हम क्या बोलेंगे एलिल क्लोराइड तो यहां पर अपने को सेकेंड आंसर करेक्ट करना है विसिनल ए प्राइमरी एल्किल हेलाइड नॉर्मली वुड प्रिफर टू अंडरगो। प्राइमरी एल्किल हेलाइड यानी अगर हम बात करें किसकी एस एन वन की एस एन वन की अगर हम बात करें तो ऑर्डर क्या होता है एस एन वन के अंदर ऑर्डर क्या आता है थ्री डिग्री टू डिग्री और वन डिग्री है ना तो यहां पर प्राइमरी हेलाइड सबसे लास्ट में आए तो ये नहीं हो सकता अगर हम बात करें किसकी एस एन टू की एस एन टू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा वन डिग्री आएगा उसके बाद में कौन आएगा टू डिग्री आएगा और उसके बाद में कौन आएगा थ्री डिग्री पूछा क्या है प्राइमरी एल के वुड प्रीफर टू अंडरगो तो आंसर क्या चला जाएगा अपना एस एन टू रेसिमाइजेशन नहीं होगा और इवन सी बी नहीं होगा ठीक है तो आंसर क्या आएगा एस एन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री सी एच सी एल थ्री का मतलब ये क्लोरोफॉम आपको दे रखा है यहां पे आ गया सी एल यहाँ पे आ गया सी एल और यहां पर आ गया सी एल रिएक्शन किसके साथ है नाइट्रिक एसिड के साथ तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दो एच ओ एन ओ टू लिख सकते हैं हम यहां से क्या निकल जाएगा वॉटर मोलिक्यूल निकल जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा सी सी एल सी एल सी एल और ये आ गया एनओ टू यानी क्या हो जाएगा CCL3NO2 ऑप्शन देखो कहां दिया हुआ है ये रहा CCL3NO बात समझ में आ गई इसे हम क्या बोलते हैं क्लोरो भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 16 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मड बाय सेंडमेयर सेंडमेयर रिएक्शन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता तो में रिएक्शन के द्वारा क्या नहीं बनाया जा सकता पहले हम देखते हैं में रिएक्शन होती कौन सी है तो बेंजीन बेजीनियम साल्ट की रिएक्शन बेंजीन रिएक्शनियम साल्ट की रिएक्शन किसके साथ साथ करते हैं के करेंगे सीयू टू सी एल टू के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके हेलोजन यहां पर जुड़ जाएगा मतलब क्लोरोबेंजीन बनाया जा सकता है यहां से बात समझ में आ गई इन द देंड में रिएक्शन रिएक्शन वी हैव टू प्रोसीड बाय बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ओके इन सेंड में रिएक्शन इट कैन बी प्रोबेबली डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम साल्ट एंड की आई मतलब के आई की रिएक्शन अगर हम करते हैं तो सीएल अगर यहां पर दिया हुआ है तो रिएक्शन हो जाएगी बी आर दिया हुआ है तो रिएक्शन हो जाएगी सी एन दिया हुआ है तो रिएक्शन हो जाएगी लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन अगर के आई के साथ करते हैं तभी क्या बनेगा सी सिक्स एच फाइव बनेगा बाकी के अंदर नहीं बनेगा जैसे सी सिक्स एच फाइव सी एल हमें बनाना है तो क्या ये रिएक्शन में बन जाएगा अगर यहां पे हम क्या ले लें सी यू टू बी आर टू भी ले सकते हैं या फिर सी यू सी एन टू या सी यू टू सी एन टू भी ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा इसके अंदर बन जाएगा आपके पास बी आर और यहां पर बन जाएगा आपके पास सी एन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन तीनों के अंदर तो लेकिन अगर, अगर आपने को आयोडीन बनाना है तो आयोडीन की रिएक्शन हमें किसके साथ करनी पड़ेगी के आई के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी तो के आई के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आयोडिन है ना तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड नॉट फॉर्म में क्या जाएगा सी सिक्स एच फाइव आई आ जाएगा क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में दिया है

यहां से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट करेंगे इधर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नेक्स्ट कार्बन पर मतलब अपने पास क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री पॉजिटिव चार्ज ये आ गया, आपके पास charge, ये आ गया आपके पास क्या सी एच पे एक हाइड्रोजन हमने शिफ्ट कर दिया सी एच टू और ये आ गया आपके पास है सी एच थ्री ठीक है अब ये प्लस है तो बी आर यहां बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा तो ये आ गया बी आर माइनस क्या हो जाएगा सी एस थ्री सी सी एस थ्री यहां जोड़ दिया आपने बी आर और ये आ गया सी एस टू और ये आ गया सी एस थ्री तो कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन हमें को यहां हमें दिखाई दे रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बाकी सारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे अगर हाइड्रोजन दिया होता है हमें हाइड्रोजन शिफ्ट करना अगर हाइड्रोजन नहीं दिया होता है तब हम देखते हैं कि भाई सी एस थ्री भी मिथाइल शिफ्टिंग कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एटीन नंबर 18 में आपको दिया है द रिएक्शन ऑफ सी सिक्स सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री यानी कि यह दे रखी है आपको बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग में किसी कार्बन पे मान लीजिए यह कार्बन हमने ले लिया इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है क्या है सी एच डबल बोंड सी एच और सी एच थ्री दिया हुआ है अब इसमें हमें क्या करना है इसमें हमें रिएक्शन करवानी है किसके साथ एच बी आर और एच टू ओ टू यानी हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ तो जब रिएक्शन होगी एच बी आर के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है उस कार्बन पे जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं कम होते हैं अब हाइड्रोजन हाइड्रोजनसाइड दिया हुआ इसका मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन है और फ्री रेडिकल रिएक्शन होने का मतलब यहां पे दोनों में क्या है बरब, बराबर कार्बन है बराबर हाइड्रोजन है और बराबर हाइड्रोजन होने का मतलब यहां आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कौन सा हो जाएगा ये हमने ले लिया यहां पर रिंग और बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन कितने है? तीन तीन कार्बन का मतलब वन टू और ये आ गया आपके पास थ्री कार्बन अब जो फ्री रेडिकल जुड़ेगा वो कहां, -कहां आ सकता है या तो फ्री रेडिकल यहां आ सकता है और दूसरी कंडीशन क्या है फ्री रेडिकल की या फिर फ्री रेडिकल आ सकता है इस कार्बन पर ठीक है क्योंकि डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड क्या है इधर दिया हुआ है तो फ्री रेडिकल यहां भी आ सकता है और फ्री रेडिकल यहां भी आ सकता है और यहां आने का मतलब अब जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही क्या होगा आंसर मतलब ये ये अगर हम इसमें माने यहां यहां पर है CS3 और यहां पर है, है और आपके पास 1, 2, 3, 4, यानि कि सी एस टू तो एल्फा कार्बन हम या, एल्फा हाइड्रोजन हम यहां पर देख सकते हैं यानी एल्फा हाइड्रोजन जो है यहां पर कितने हो जाएंगे पांच और पांच होने के कारण यहां ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा ज्यादा स्टेबल और ज्यादा स्टेबल होने के कारण अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा यानी ये वाला फोर्थ सी सिक्स एच फाइव दे दिया ये रहा आपके पास सी सिक्स एच फाइव ठीक है सी एच टू का मतलब ये रहा आपके पास सी एच टू यह आ गया सी एच यानी फ्री रेडिकल यहां बना था यह आ गया सी थ्री और इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों बी आर तो इस फोर्थ ऑप्शन जो है यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नाइनटीन में आपको दिया हुआ क्या सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू बी आर की रिएक्शन एनए सी एन के साथ तो क्या हो जाएगा सी एन जुड़ जाएगा और बी आर एन ए बी आर अलग निकल जाएगा तो इसके अंदर पूछा क्या है विल बी फास्टेस्ट इन सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगी एथेनॉल में होगी हो मेथेनॉल में एन एन डाई मिथाइल फोर्मामाइड या वोटर तो आपको पता है कि रिएक्शन जो है कौन सी टाइप की है एस एन टू टाइप की है रिएक्शन कौन सी टाइप की है एस एन टू टाइप की रिएक्शन है और इसके अंदर हम बात करेंगे किस पे डिपेंड करती है ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है किस पर डिपेंड करेगी सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी और सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा सॉल्वेंट पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट आपको यहां पर दे रखा है कौन सा दे रखा है एन एन डाई कौन सा दे रखा है एन एन डाई मिथाइल आपको क्या दिया हुआ है पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट दिया हुआ है क्योंकि अगर पोलर प्रोटिक होता है तो क्या बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा इसलिए सबसे फास्ट जिसमें होगी वो क्या है एन एन डाई मिथाइल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ए डाई हेलोजन डेरिवेटिव एक्स डाई हेलोजन डेरिवेटिव एक्स ऑफ ए हाइड्रोकार्बन कोई हाइड्रोकार्बन दे रखा है विद थ्री कार्बन तीन कार्बन का है तो टू, थ्री, तीन कार्बन का हमने हाइड्रोकार्बन ले लिया। इसमें क्या कह रहे हैं दो हेलोजन जुड़े हुए हैं तो हम इसमें फर्स्ट कार्बन पे दो हेलोजन जोड़ देते हैं ये डाई हेलो डेरिवेटिव हो गया रिएक्ट विद एल्कोहोलिक का मतलब क्या हुआ ये आपके पास आ गया एल्कोहलिक के ओ एच मतलब यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा दो हेलोजन दे रखे हैं इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा दो मोल लेने पड़ेंगे एल्कोहलिक के ओ एच के दो मोल अगर हम ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा सी सी ट्रिपल बॉन्ड और सी यानी कि एल्काइन बन जाएगी ठीक है यहां पे के एक्स निकल जाएगा क्या निकल जाएगा के एक्स निकल जाएगा और साथ में वोटर निकल जाएगा तो यहां पर देखते हैं आगे क्या है तो एंड प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन विद विच फॉर्म्स रेड पीपीटी क्या बनाएगा रेड पीपीटी बनाएगा क्या बनाएगा ये किसके साथ अमोनिकल किसके टू सी एल टू के साथ यानी रिएक्शन किसके साथ है, Cu2, Cl2, Oblick, NH3. तो आपको पता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है रेड पीपीटी यहां पर बन जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके आगे क्या कह रहा है x जिसको हमने x माना है ये हमने मान लिया x इसको माना था गिव्स एन एल्डिहाइड ये क्या देगा एल्डिहाइड देगा ऑन द रिएक्शन विद एक्वस केओएच इसकी रिएक्शन अगर हम एक्वस केओएच के साथ करते हैं इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करेंगे एक्वस केओएच के साथ करेंगे तो x यहां से निकल जाएगा x यहां से निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा c c c और ये आ गया oh और ये आ गया आपके पास oh है ना अब यहाँ किसी एक कार्बन पे पर्टिकुलर कार्बन पे दो ओएच जुड़े होते हैं तो क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा CH3, CH2, CH o, यानि कि क्या बन गया? ये बन गया एल डी हाइड क्या बन गया एल और क्वेश्चन में क्या कह रहा है एल डी बन, बन रहा है किसके साथ एक्स इज तो इसके लिए हमें पूछा है कि ये क्या है, है ना तो X किस जगह इन्होंने क्या कह रखा है कि क्लोरीन लेना है अपने को तो X किस आप क्लोरीन ले सकते हो। बन रहा है क्या? देखो एक ही कार्बन पे दो हेलोजन है तो वन थ्री नहीं बन रहा वन टू क्लोरो मतलब इसी कार्बन पे है तो क्या हो जाएगा 1, 1, क्लोरो. क्या हो जाएगा वन वन तो यहां पर फोर्थ आंसर जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा वन वन प्रोपेन नेक्स्ट क्वेश्चन है

सबसे बेस्ट वे कौन सा है इसके लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है कौन सी रिएक्शन से हम इसको इज़ीली बना सकते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें सी एच थ्री सी एल की अगर हम बात करें किसकी सी एच थ्री सी एल की, की रिएक्शन हम मान लीजिए करते हैं किसके साथ एजीएफ के साथ, साथ. किसके साथ करेंगे एजीएफ के साथ ठीक है क्या बन जाएगा हेलोजन एक्सचेंज होगा और हेलोजन एक्सचेंज होने कारण सी एस थ्री के साथ एफ चला जाएगा और एजी के साथ मेथड से क्या कर सकते हैं ऑप्टेन कर सकते हैं एल्केलाइड को ऐसा क्यों क्योंकि यहां पर जो सी एस थ्री एफ बनेगा क्योंकि यहां पर जो सी एस थ्री एफ बनेगा वो क्या होगा प्योर होगा क्या होगा प्योर क्या हो जाएगा एल्किल यहां पर बन जाता है और मैं अगर बात करू किसकी Agcl की, तो Agcl इसलिए है क्योंकि इसको हम सॉलिड फॉर्म में क्या कर सकते हैं प्रिसिपिटेट आउट कर सकते हैं प्रिसिपिटेट हम इसका बना सकते हैं प्रिसिपिटेट आउट कौन सी फॉर्म में सॉलिड फॉर्म कौन सी फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में बात समझ में आ गई

और किसकी प्रेजेंस में ड्राई एसिटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है किसकी प्रेजेंस में ड्राई एसिटोन और ड्राई एसिटोन में क्या बन जाएगा C2H5 के साथ आई चला जाएगा और एनए के साथ आई प्लस ये आ गया, गया एन ए सी एल तो यहां आपको पूछा है सुगमता से बनता है या बेस्ट एक बाय तो बेस्ट एक्म्प्लिस्ट बाय का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों स्वार्ट्स रिएक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टू मिथाइल ब्यूटेन टू मिथाइल ब्यूटेन का मतलब आपको चार कार्बन का ब्यूटेन दे रखा है जिसमें सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है अगर हम इसका मोनोक्लोरिनेशन करते हैं अगर हम इसका क्या करते हैं मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट आपको बनेंगे वो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट बनाने हैं देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा इसके अंदर अगर हम बात करें यहां पे फर्स्ट कार्बन पे अगर हम क्लोरीन जोड़ दें तो क्या होगा ये कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन चौथा कार्बन ये आ गया और यहां पर जुड़ गया सी एक तो ये बन सकता है ठीक है अगर इसमें हम देखेंगे तो ये आपके पास है सी एच ये आ गया सी एच टू ये आ गया सी एच टू आ गया सी एच थ्री और ये आ गया सी एच थ्री है ना तो इसमें क्या दे रखा है हाउ मेनी कायरल कंपाउंड पूछा है तो इसके अंदर अगर हम कायरल की बात करें तो कायरल की बात करें तो ये वाला कार्बन इसके साथ एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एक एक ये वाला जुड़ा हुआ, एक ये वाला वाला ग्रुप ग्रुप जुड़ा जुड़ा हुआ हुआ है है और एक ये ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है मतलब ये क्या हो गया? हो गया गया कायरल अगर हम दूसरे की बात करें दूसरा कौन सा बन सकता है अगर मैं इसके अंदर क्लोरीन सेकेंड नंबर कार्बन पे जोड़ देता हूं तो ये तो बन गया फर्स्ट सेकेंड की अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी ये आ गया सी एल ये आ गया सी एच थ्री यह आ गया सी एच टू और यह आ गया सी एच थ्री आ गया तो इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर आपको पता है सी एच थ्री जुड़ा हुआ है सी थ्री जुड़ा हुआ है मतलब ये कायरल नहीं है ठीक है थर्ड की बात करते हैं थर्ड में क्या हो जाएगा थर्ड में अगर मैं कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे अगर मैं क्लोरीन जोड़ देता हूं तो यह आ गया आपके पास सी एच थ्री ये आ गया सी एच यह आ गया सी एच थ्री और यहां पे CH2 पे अगर हमने CL जोड़ दिया और लास्ट में बचा हुआ क्या है CH3 थ्री है, है ना तो ये ये टू नहीं है ठीक है अब क्या हो जाएगा इसके अंदर अगर हम कायरल देखें तो इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है CH3 जुड़ा हुआ है CL जुड़ा हुआ है और ये दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा कायरल हो जाएगा तो दो कायरल आ गए एक तो ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया और देखते हैं और क्या बन सकता है और अगर हम लास्ट कार्बन पे जोड़ दें तो ये नंबर फोर क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी सी एस थ्री सी एच टू और ये आ गया सी एच टू सी एल है ना तो इसके अंदर तो कायरल कोई नहीं होगा क्योंकि यहां पे सी एस थ्री है यहां पर सी एच थ्री है यहां पे दो हाइड्रोजन है ये दोनों सेम हो गए ये दोनों सेम हो गए ये दोनों सेम हो गए मतलब ये भी कायरल नहीं होगा तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा हाउ मेनी ऑफ टू मिथाइल बात समझ में आ गई अगर इंक्लूड होता तो हम आर एस भी देख लेते नेक्स्ट चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है व्हाट इज ए इन रिएक्शन क्वेश्चन में आपको दे रखा है आपको अभिक्रिया में ए क्या होगा तो अभिक्रिया दे रखी है आपको सी एच थ्री सी एच डबल बोन्ड सी एच टू और साथ में दिया हुआ एच सी एल एच टू टू तो मतलब इसका ये हुआ कि एच टू ओ टू आया इसका मतलब ये नहीं है कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा अगर एच सी एल आता है तो रूल के अकॉर्डिंग मार्कोनिकोफ रूल यहाँ पर क्या होगा फॉलो होगा और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बॉन्ड को ब्रेक करना है और जो सी एल है नेगेटिव चार्ज कहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा इस कार्बन पे आएगा अब जो स्पीथी बन के आए, आएगी क्या आ जाएगी आपके पास ये आ जाएगा सी एच टू सी एच ये आ गया आपके पास पॉजिटिव और ये आ गया आपके पास सी एच थ्री और यहाँ है अब क्या होगा अब होगा इसमें रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये हो गया क्या रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा ये आ गया आपके पास सी एच प्लस सी एच टू और ये आ गया सी एच थ्री और ये है आपके पास बेंजीन रिंग अब इसके पास अटैक किसका करना है इसमें

और यहां भी डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है मतलब ये वाला सेकेंड क्या हो गया कायरल अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड कार्बन में भी क्या है हाइड्रोजन दिया हुआ है दिया तो उस कंडीशन में क्या होता है, होता है तो थर्ड वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा और फोर्थ वाला हो नहीं सकता इसलिए अपना जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा सेकेंड सेकेंड और थर्ड जो कार्बन है वो क्या होगा एसिमेट्रिक होगा यानी कि कायरल होगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में क्या देखना है रेसिमिक मिक्सचर और एज यू नो शुड एट एटलीस्ट वन कायरल कार्बन और यहां पर जो आपको दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन के अंदर चारों वैलेंसी डिफरेंट आपको दिखाई दे रही है ये हाइड्रोजन आ गया सी एस थ्री आ गया सी टू एच फाइव आ गया बी आर यानी कायरल कार्बन हो गया और कंडीशन क्या है रेसिमिक मिक्सर की कि इट शुड कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एक कायरल कार्बन आपका क्या होना चाहिए कायरल कार्बन होना चाहिए तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर एक कायरल कार्बन आपको यहां पर दिया हुआ है जबकि सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन में क्या है सीएस थ्री और सी थ्री दिया हुआ है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता थर्ड देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 26 में आपको दिया हुआ है sn1 रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड लीड टू sn1 रिएक्शन आपको यहां पर दे रखी है तो देखिए इसमें क्या होगा ये है अपने पास कार्बन ये r दूसरा r और ये हो गया अपने पास थर्ड r ये क्या हो जाएगा थर्ड r इसको हमने नाम दे दिया वन इसको दे दिया टू इसको दे दिया थ्री और यहां पर जुड़ा हुआ है आपके पास एक्स ठीक है ना तो फर्स्ट स्टेप में जो कि होती है आर डी एस स्टेप आर डी एस स्टेप में क्या बनता है कार्बोकेटाइन बनता है तो यहां से एक्स निकलेगा और क्या बन जाएगा कार्बो केटाइन ये बन गया कार्बन यहां पे आ गया आपके पास आर वन यहां पर आ गया आपके पास क्या आर टू और यहां पर आ गया आपके पास क्या आर थ्री और ये बन गया आपके पास कार्बो केटाइन ठीक है अब इसके अंदर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी न्यूक्लियो से न्यूक्लियो जब इसमें अटैक करेगा जो इनकमिंग न्यूक्लियो होगा अटैक करेगा तो रिएक्शन क्या होगी फास्ट रिएक्शन होगी और फास्ट रिएक्शन में यहां पर कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं तो देखिए कार्बन है ये आपके पास आया आर वन ये है आपके पास आर टू और ये है आपके पास क्या आर थ्री तो जहां पे एक्स था उसी जगह पे क्या लग गया न्यूक्लियोफाइल जिस जगह पे क्या था एक्स जुड़ा हुआ था उस जगह पे क्या जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल जुड़ने का मतलब इसमें रिटेंशन हो गया या फिर अगर हम दूसरा ऑप्शन इसमें देखें तो दूसरा क्या हो सकता है ये आपके पास है कार्बन और कार्बन से जुड़ा हुआ है यहां पे है आर वन क्या जुड़ा हुआ है आर वन और अगर न्यूक्लियोफाइल इधर वाली साइड में जुड़ जाता है कौन सी साइड में जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड में जुड़ जाएगा तो आर थ्री आपके पास कहां आ गया ये आ गया आर थ्री और ये आ गया आपके पास क्या R2 तो यहां पर क्या हो गया इन्वर्जन हो गया तो यहां पे तो है रिटेंशन यहां पर क्या है रिटेंशन रिटेंशन और और यहां पर है inversion. क्या है इन्वर्जन 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 क्या तो retention और inversion दोनों पॉसिबल हैं और जब दोनों पॉसिबल होते हैं तो इसका मतलब अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रेसिमाइजेशन सही आंसर यहां पर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन मैं आपको दिया हुआ है क्लोरोपिक्रीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन क्लोरोपिक्रीन को हम कैसे बना सकते हैं तो क्लोरोपिक्रीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्लोरो अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं किसके साथ करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन निकलेगा ओ एच निकलेगा वॉटर मोलिकुल यहां से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास सी सी एल थ्री एन ओ टू यानी ये क्या है क्लोरो पिक्रिन है है ना तो क्लोरो पिक्रिन किससे बना एक तो बना क्लोरोफॉर्म से और एक बना नाइट्रिक एसिड से तो ऑप्शन नंबर फोर, नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म रिएक्शन से क्या बन जाएगा क्लोरो बन जाएगा ठीक है तो चौथा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा सही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 28 में दिया हुआ है फिटिक रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर फिटिक रिएक्शन से आप क्या बना सकते हो तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है टोलविन टोलवीन देने का मतलब ये है सी एस थ्री और यहां पर है रिंग. तो टोलविन का मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर सी एस थ्री सी एल होता मतलब अगर ये होता आपके पास यहां पर दिया हुआ है सी एल और यहां पर दिया हुआ है सीएल दे दिया आपको सी एस थ्री इसकी रिएक्शन अगर हम टू एन ए के साथ करवाते तब क्या बनता टोलविन बनता इसका मतलब यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन पूछा है ना कि वोटिक रिएक्शन तो में होगी, तो यहां पर नहीं बन सकती। अगर मैं बात करूँ किसकी एसिटोनोन की तो एसिटोफिन को बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा सी एस थ्री सीओ सी एल लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा सी एस थ्री सीओ सी एल लेना पड़ेगा साथ में हम टोलविन ले सकते हैं तो उससे क्या बन जाएगा आपका आंसर एसिटोफिन आ जाएगा लेकिन रिएक्शन कौन सी होगी यहां पर रिएक्शन हो जाएगी अगर हम डाइफेनिल की बात करें तो दो दोनों यहां पर रिंग दे रखी है मतलब ये दे दिया आपको और यहां पर ये यह दे दिया आपको रिएक्शन किसके साथ टू एन के साथ तो यहां पे ये टू एन निकल जाएगा और टू एन निकलने के बाद जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा डाइफेनिल हो जाएगा क्या हो जाएगा डाइफेनिल तो थर्ड ऑप्शन अपना यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट क्लोरोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन तो बन ही नहीं सकता ठीक है तो थर्ड ऑप्शन जो डाइफेनिल है वो यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट सी इन फॉलोइंग सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना है कि सी क्या है सी को आपको आइडेंटिफाई करना है तो यहां पर दे रखा है एथेनॉल एथेनॉल की रिएक्शन सी टू एच फाइव ओ की रिएक्शन एसओ सी एल की प्रेजेंस में करने पर क्या बन जाएगा OH एच की जगह सी एल लग जाएगा यानी ये आ गया आपके पास सी टू एच फाइव सी ठीक है अब यहां कह रहा है किसके साथ रिएक्शन करनी है KCN के साथ तो ये आ गया KCN तो KCN के साथ रिएक्शन होगी तो KCl निकल जाएगा और KCl निकलेगा तो क्या बन जाएगा ये आ गया सी ठीक है अब यहां पे आपको दे रखे टू एच टू ओ और एच प्लस तो इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करें सॉरी सी एन ठीक है यहां पर अगर आपको रिएक्शन करनी है एच टू ओ एच प्लस के साथ अगर एच टू एच प्लस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव सी डबल टू बनेगा और अगर इसकी फर्दर दूसरे मोलिक्यूल एच टू ओ एच प्लस के साथ दोबारा रिएक्शन करते हैं तब क्या बन जाएगा सी टू एच फाइव सी ओ एच यानी कि अगर सी टू एच फाइव सी एन की रिएक्शन किसके साथ करें टू एच टू ओ एच प्लस के साथ करते हैं तो अपना जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा सी टू एच फाइव सी ओ एच तो यहां पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड नंबर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपको दे रखा है एल्किल हेलाइड सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल रिएक्शन करनी है आपको एल्कोहलिक के एल्कोहलिक के रिएक्शन से आपको पता है क्या बनता है एल्किन बनता है तो क्या हो जाएगा सीएच थ्री सी एच डबल बोन्ड सी एच टू एलिमिनेशन हो गया आपके पास क्या आ गया एल्किन एल्किन की रिएक्शन किसके साथ करनी है एच बी आर के साथ तो एच बी आर के साथ करनी है मतलब मार्कोनिकोफ एडिशन करना है और मार्कोनिकोफ एडिशन का मतलब बी आर कहां जुड़ेगा बी आर न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इट मींस सी एच थ्री एंड हियर सी हो गया अब नेक्स्ट सी बन गया आपने पास और अपने को बनाना है डी यानी इसकी सोडियम और इथर के साथ रिएक्शन करनी है ड्राई इथर के साथ रिएक्शन करनी है ये हमने ले लिया सोडियम तो एक दूसरा मॉलिक्यूल भी हमें यहां पर लेना पड़ेगा सी एच थ्री सी एच ये आ गया बी आर और ये आ गया सी एच थ्री यहां से क्या निकल जाएगा टू एन ए बी आर निकल जाएगा और टू एन ए बी आर निकलेगा तो अपने पास प्रोडक्ट क्या जाएगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ये बन गया दोनों के बीच में बॉन्ड यहां पे आ गया सी एच यहां पर आ गया सी एच थ्री और यहां पर आ गया सी एच थ्री तो कितने कार्बन की चेन बन गई आपके पास चार कार्बन की चेन बन गई ये आपके पास आ गई चार कार्बन की चेन यानी वन टू थ्री और फोर टू और थ्री पर क्या लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो नाम क्या हो जाएगा टू थ्री डाई मिथाइल टू थ्री डाई मिथाइल कार्बन कितने हैं चार तो क्या आ जाएगा ब्यूटेन तो आंसर बोलो कौन सा सही हो जाएगा टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सिक्वेंस एक्स और वाई को हमें आइडेंटिफाई करना है हमें दिया हुआ है सी टू एच फाइव बी आर और इससे बन रहा है प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है ये हमें पता नहीं है उसके बाद में हम चलेंगे आगे और आगे है वाई वाई की हेल्प से क्या बन रहा है सी थ्री एच सेवन टू सी थ्री एच सेवन एन एच टू तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी टू एच फाइव यानी कि दो कार्बन है और यहां पर क्या है तीन कार्बन है मतलब एक कार्बन बढ़ रहा है और जब भी कार्बन बढ़ता है हम रिएक्शन किसके साथ करते हैं के सी एन के साथ किसके साथ करते हैं के सी एन के साथ तो इसकी रिएक्शन अगर मैं यहां पर करूं के सी एन के साथ तो क्या बनेगा के बी आर यहां से निकलेगा और ये बन जाएगा सी टू एच फाइव सी एन सी टू एच फाइव सी एन बन गया अब हमें एक कार्बन इंक्रीज करना है मतलब कार्बन बढ़ गया यहां पे तो क्या हो जाएगा रिडक्शन रिडक्शन का मतलब हमें क्या लेना है फोर हाइड्रोजन किसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किसके साथ लेने पड़ेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करेगा और रिडक्शन करेगा तो दो कार्बन आपको यहां पे जोड़ देने और दो कार्बन सॉरी दो हाइड्रोजन आपको यहां पे जोड़ देने और दो हाइड्रोजन आपको यहां पर जोड़ देने मतलब क्या बन जाएगा ये आ गया सी टू एच फाइव सी एच टू और क्या बन गया एन एच टू यानी कि वन डिग्री एमीन बन गया क्या बन गया वन डिग्री एमीन तो एक्स क्या हुआ X क्या हुआ KCN हुआ Y क्या हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा X है KCN और Y है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर यहां पर देखो AgCN दिया हुआ है तो AgCN में क्या होगा C2H5Br की रिएक्शन AgCN के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा C2H5NC बन जाएगा और यहां पर वही अपने को रिडक्शन करना है तो रिडक्शन होगा तो फोर हाइड्रोजन हमें काम में लेने हैं तो क्या हो जाएगा आ आगे आपके पास C2H5 ये आ गया आगे आपके पास NH और ये आगे आपके पास CH3 यानी क्या बन गया टू डिग्री एमीन बन गया क्या बन गया टू डिग्री एमीन और टू डिग्री एमीन का मतलब यहां पर इथाइल जुड़ा हुआ है यहां पर मिथाइल जुड़ा हुआ है तो नाम क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल एमीन नाम क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल एमीन यानी कौन सा आंसर करेक्ट हो गया नंबर फोर फोर नंबर आंसर इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आइडेंटिफाई जेड इन सीरीज जेड वी हैव टू आइडेंटिफाई हियर एल किन इज गिवन टू अस मीन CH2 टू डबल बॉन्ड सी टू इज देयर एंड इट इज साथ जब रिएक्शन करेगी तो किसी भी कार्बन पे हम क्या जोड़ देंगे बी आर जोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये हमारे पास आ गया सी एच टू बी आर और यहां पर आ गया अपने पास सी एच थ्री इस कार्बन पे भी जोड़ सकते हैं और इस कार्बन पे भी जोड़ सकते हैं दोनों पे जोड़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हमें दे रखा है क्या x बन गया और x की रिएक्शन किसके साथ करनी है एक्वस केओएच के साथ करनी है x की रिएक्शन अगर हम एक्वस केओएच के साथ करेंगे तो Br को हटा दो और OH को जोड़ दो यानी अपने पास क्या आ गया CH2 OH और ये हो गया अपने पास CH3 ठीक है अब यहां पर आगे y जब बन गया उसकी रिएक्शन आगे हमें करवानी है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन के साथ रिएक्शन किसके साथ करवानी है Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ I2 जो कि हमें दे रखा है किसमें एक्सेस में दे रखा है और एक्सेस में देने का मतलब हमें यहां पर पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कौन सी हो गई आइडो रिएक्शन हो गई कौन सी रिएक्शन हो गई आइडो और आइडोफॉर्म रिएक्शन अगर हो गई तो अपने पास क्या आ जाएगा सी एच आई थ्री क्या बन जाएगा सी एच आई थ्री जिसके हम येलो क्रिस्टल यहां पर ऑप्टेन कर सकते हैं. येलो क्रिस्टल

टू क्लोरो एसिटोफिनोन तो एसिटोफिनोन आपके पास क्या होता है ये है आपके पास C डबल बोन्ड ओ सी एच थ्री मतलब फर्स्ट पोजिशन गई ये सेकेंड पोजिशन गई तो वेलेंसी को यहाँ पे सी एच टू कर दो और यहाँ पे क्या लगा देंगे सीए लगा देंगे तो यहाँ ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है इसलिए इसका जो तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट वाला और थर्ड थर्ड वाला दोनों इसके अंदर सही है इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या है फर्स्ट एंड थर्ड बोथ सो फोर्थ आंसर इज करेक्ट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्लोरम फेनिकोल इज इन सीधा क्वेश्चन है मलेरिया में यूज नहीं किया जाता कोविड नाइनटीन में यूज नहीं किया जाता गोइटर में नहीं होता आंसर क्या हो जाएगा बैक्टीरियल इंफेक्शन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में दे रखा है द रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या दिया हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको दे रखा है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हो गया सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री और यहां पर दे रखा है आपको ब्रोमीन ये आ गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मिथोक्साइड रिएक्शन किसके साथ करवानी है सोडियम मिथोक्साइड के साथ और सोडियम मिथोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3O Na क्या होता है CH3O Na सोडियम मिथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है आपको तो इसके अंदर क्या हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और यहां पर जो Na है किसमें है प्लस में है ऑक्सीजन किसमें है माइनस में है Na किसके साथ जुड़ेगा Br के साथ तो यहां पर रिएक्शन में जो हो जाएगा NaBr आपके अलग हो गया अब बचा क्या आपके पास आपके पास बच्चा है OCH3 और OCH3 आपको पता है क्या है? Strong base है। है, क्या क्या तो तो जब ये 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 तो इसका मतलब ये क्या करेगा? प्रोटोन यानी कि हाइड्रोजन को एबस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो हाइड्रोजन को एबस्ट्रेक्ट जब ये करेगा तो यहां तीनों सी थ्री में से किसी भी सी एस थ्री में से ये हाइड्रोजन को एब्सट्रैक्ट कर सकता है तो इसको हम लिख लेते हैं सी एच टू और यहां पर बना देते हैं हाइड्रोजन तो ये वाला हाइड्रोजन है ये कहां चला जाएगा OCS3 के पास चला जाएगा तो क्या बन जाएगा इसके कारण सी एच थ्री ओ एच क्या बन जाएगा सी एस थ्री ओ एच अब अपने पास क्या बच गया देखिए यहां पर आ गया सी एच थ्री ये रहा C ये आ गया सी एस थ्री और यहां पर क्या लग जाएगा सी एच टू ठीक है तो यहां पर अपने पास जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा आइसोब्यूटाइलिन क्या आ जाएगा आइसो इज द करेक्ट आंसर हियर ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन फोसजीन फोस जीन इज कॉमनली नोन एज फोस जीन को हम सामान्यतया किस नाम से जानते हैं फोस जीन को सामान्यतया जाना जाता है कौन से नाम से सीओ सी एल टू सीओ सी एल टू क्या होती है फोसजीन सी डबल बोड ओ सी एल और सी एल मतलब क्या है कार्बोनिल क्लोराइड है क्या है कार्बोनिल क्लोराइड तो फोसजीन यहां पर कौन सी हो जाएगी कार्बोनिल क्लोराइड ये आ गया आपके पास फोसजीन ठीक है अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है सीओ टू एंड क्या दे रखा है फोसफिन फोस्फिन क्या होता है पीएच थ्री ठीक है अगर हम थायोनिल क्लोराइड की बात करें तो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है एसओ सी एल टू था क्या होता है और क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है पीओ सी एल थ्री यह आ गया फोस क्लोराइड तो सही आंसर अपना कौन सा हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड नेक्स्ट देखिए थर्टी एट नंबर क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है क्लोरीन जुड़ा हुआ है रिएक्ट विद मैग्नीशियम मैग्नीशियम के साथ ये करेगा रिएक्शन तो क्या बन जाएगा ड्राई इथर की प्रेजेंस में आर, एम, जी, एक्स, ये आ गया आपके पास एम, जी, और ये आ गया आपके सी एल टू गिव ए कंपाउंड ए ये अपने पास कंपाउंड क्या आ गया ए कंपाउंड आ गया ठीक है ए फर्दर विद इथेनॉल टू यील्ड ए की रिएक्शन हम किसके साथ करें सी टू एच फाइव ओ एच के साथ करें इसके साथ करें सी टू एच फाइव ओ एच के साथ करें तो इसको हम मान लेते हैं R ग्रुप जुड़ा हुआ है ये कोई तो आर की रिएक्शन रिएल की रिएक्शन यानी आर एम जी एक्स की रिएक्शन किसके साथ करें सी टू एच फाइव ओ एच के साथ तो ये आ गया आपके पास सी टू एच फाइव ओ एच यहां से अगर हम रिएक्शन करेंगे तो R ये आपके पास है प्लस ये है माइनस ये है आपके पास माइनस और ये है आपके पास प्लस तो यहां से R जुड़ेगा किसके साथ हाइड्रोजन के साथ और जुड़कर क्या बना लेगा आर एच यानी कि एलकेन बना लेगा इसी तरह अगर मैं इसको R मान लेता हूं तो आपके पास क्या बन जाएगा यह आपके पास बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाएगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब क्या है कि बेंजीन बन गई तो मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा बेंजीन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन थर्टी नाइन वट वुड बी द प्रोडक्ट फोर्म्ड वेन वन ब्रोमो थ्री क्लोरो साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन का मतलब चार कार्बन ठीक वन और थ्री पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है वन पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो और थ्री पे जुड़ा हुआ है क्लोरो ये जोड़ दिया हमने ब्रोमीन और क्लोरीन क्लोरिन सोडियम टू इक्वेलेंट ऑफ मेटेलिक सोडियम यानी इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है टू एन के साथ करनी है तो यहां से बॉन्ड टूटेगा यहां से बॉन्ड टूटेगा आपके पास क्या बनेगा फ्री रेडिकल एक यहां पे बन गया एक यहां पर बन गया क्या करना है इन दोनों को जोड़ देना है और जोड़ने का मतलब आपके पास क्या आंसर आ जाएगा आंसर नंबर फोर ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्टी में दिया हुआ है एक्स Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है बेंजो ट्राइक्लोराइड बन रहा है मतलब सीएल टू के साथ रिएक्शन करेगा इसका मतलब बेंजाइलिक कार्बन है अपने पास मतलब ये आ गया अपने पास सी एच थ्री ये आगे अपने पास क्या सी एस थ्री रिएक्शन किसके साथ CL2 के साथ तो CL2 किस में होगा एक्सेस में होगा और सी एल टू एक्सेस में होने का मतलब आपके पास क्या बन जाएगा सी सी एल सी एल सी एल बन जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड कोई दिक्कत नहीं है अब इसका हमें करना है हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस करने पर सीएल की जगह ओ एच जुड़ जाएगा मतलब ये आ गया बेंजीन कार्बन यहाँ है ओ एच OH, यहाँ है ओ OH, एच और यहां आ गया ओ OH. एच ठीक है हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें क्या मिल गया ओ OH एच जुड़ गया अब यहां पर क्योंकि एक ही कार्बन पे ओ OH एच जुड़े हुए और एक ही कार्बन पे ओ एच जुड़ने का मतलब क्या है यहां से वोटर निकलेगा और वोटर निकल के क्या बना देगा ये आपके पास बेंजीन इस पे कार्बन यहां पे लगा हुआ है ओ OH, एच और ये शिफ्ट हो गया इधर मतलब यहां पर क्या आ गया डबल बोन्ड आ गया और डबल बोन्ड आने का मतलब क्या बन गया ये आपके पास बन गया बेंजोइक एसिड क्या बन गया बेंजोइक एसिड तो फाइनल प्रोडक्ट जो Y हमने यहां पे मानेंगे वो किसको मानेंगे बेंजोइक एसिड को और इनिशियल प्रोडक्ट जो A है जो X है उस X का मतलब क्या है टोलविन तो सही आंसर टोलविन और बेंजोइक एसिड ये आ गया आपके पास टोलविन और बेन्जोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है बेंजीन ऑन रिएक्शन विद ए मिक्सचर ऑफ एच एन ओ थ्री बेंजीन हमने लिया रिएक्शन किसके साथ एच थ्री के साथ और एच टू एस ओ फोर के साथ तो ये है एच एन ओ थ्री और ये है आपके पास H2SO4 मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन हो गई नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा NO2 ग्रुप यहां पर अटैच हो जाता है हो गया अटैच अब क्या करना है फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ Cl2 FeCl3 रिएक्शन किसके साथ करवानी है सीएल टू और एफ सी एल थ्री एफ सी एल थ्री हेलोजन कैरियर है मतलब बेंजीन पे जुड़ेगा और बेंजीन पे जुड़ेगा तो क्योंकि नाइट्रो ग्रुप दे रखा है तो कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा वो हमें यहाँ पर देखना है तो नाइट्रो ग्रुप जब भी जुड़ा होगा ये आ गया एन टू हमेशा सीएल कौन सी पोजिशन पे जुड़ेगा मेटा पोजिशन पे और मेटा पोजिशन पे जुड़ने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन क्लोरिन जुड़ा हुआ है थर्ड कार्बन पे तो थ्री क्लोरो वन नाइट्रो बेनजीन क्लोरो वन नाइट्रोबेंजीन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू फोर्टी टू में आपको क्या दे रखा है ब्यूटाइल ब्रोमाइड के सी एन के साथ रिएक्शन करके बी यू सी एन में कन्वर्ट हो रहा है यानी बी आर की जगह क्या लग रहा है सी एन लग रहा है तो सीधा सा आपने को पता चल गया कि यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है एस एन टू रिएक्शन हो रही है ठीक है नेक्स्ट चलें आगे 42 में क्या आ जाएगा एस एन टू रिएक्शन 42 में एस एन टू रिएक्शन अपना यहां पर आंसर हो जाएगा ब्यूटिल ब्रोमाइड दे रखा है मतलब कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फोर के साथ क्या जुड़ा हुआ है Br ठीक है और Br जुड़ने का मतलब रिएक्शन किसके साथ के के साथ के के साथ रिएक्शन हुई और के के साथ जब रिएक्शन होगी तो अपने को पता है सी है और सी क्या करेगा ये यहाँ पर सी एच थ्री आ गया ये सी एच टू आ गया ये सी एच टू आ गया ये हाइड्रोजन आ गया और ये हाइड्रोजन आ गया मतलब ये सी एन यहां पर अटैक करेगा और यहां पर अटैक करेगा तो बी आर का क्या हो जाएगा एलिमिनेशन और एलिमिनेशन होने का मतलब हम इस रिएक्शन को ऐसे भी समझ सकते हैं यहां पर कार्बन आ गया यहां पर है हाइड्रोजन यहां पर है हाइड्रोजन और यहां पर क्या जाएगा? C3, आ जाएगा सी थ्री एच सेवन आ जाएगा सी थ्री एच सेवन आ जाएगा मतलब यहां पे ये यह हो गया इनकमिंग न्यूक्लियो फाइल यह अटैक करेगा यहां पर कौन जुड़ा हुआ है BR. BR जुड़ा हुआ है। अब क्या आ गया। कार्बन है ये आपके पास आ गया कौन हाइड्रोजन आपके पास कौन हाइड्रोजन और ये आ गया आपके पास सी थ्री एच सेवन मतलब ये हो गया क्या बी आर और इधर कौन जुड़ने की कोशिश कर रहा है इधर जुड़ने की कोशिश कर रहा है सी एन तो क्या बना टी एस बना क्या बना ट्रांजिशन स्टेट और पता है ट्रांजिशन स्टेट किस में बनेगी SN2 में बनेगी और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद में क्या हो जाएगा इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मतलब ये कि CN जुड़ गया CN क्या हो गया जुड़ गया ये आपके पास आ गया CN और CN के अंदर कार्बन आ गया हाइड्रोजन आ गया हाइड्रोजन आ गया और यहां पर आ गया C3H7 तो मतलब यहां से Br जैसे ही निकला तो वापस ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा इनवर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन पर आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन आइडोब्यूटेन बनाना क्या है वन आइडोब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ए आई और ड्राई एसिटोन एन ए आई और ड्राई एसिटोन का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास है चार कार्बन वन टू थ्री फोर चार कार्बन है यहाँ पर लगा हुआ है आयोडीन और यहाँ ये यह बनाना है हमें किसकी प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन के साथ तो बनने वाला किसकी हेल्प से हम इसको बना सकते हैं तो सिंपल सा है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है इसका मतलब कार्बन 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 और कार्बन तो ब्यूटेन नहीं हो सकता ब्यूटेन नहीं हो सकता ब्यूटेनॉल नहीं हो सकता ब्यूटाइन नहीं हो सकता वन क्लोरोब्यूटेन। देखो अगर मैं यहां पर क्लोरीन लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा एन ए सी एल यहां से निकल जाएगा और जो है, वो इसकी जगह जुड़ जाएगा मतलब अपना सही आंसर क्या हो गया वन क्लोरोन ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द सबस्टेट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन ब्रोमोब्यूटेन वन ब्रोमो ब्यूटेन बनाने के लिए वन ब्रोमो ब्यूटेन बनाने के लिए आपको बनाना क्या है वन ब्रोमो और ब्यूटेन आपको बनाना है वन ब्रोमो ब्यूटेन के लिए परोक्साइड की उपस्थिति में परोक्साइड की उपस्थिति में यानी कि यहां पर क्या लेना है आपको परोक्साइड लेना है आपको और काम में क्या लिया जाएगा तो वन ब्यूटेनोल लिया जाएगा अब देखो ये पता चल रहा है परोक्साइड ले रहा है वन ब्रोमीन यानी ब्रोमीन लगा रहा है इसका मतलब कौन सा रूल हो गया एंटी मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ है तो हमें क्या लेना पड़ेगा हमें लेना पड़ेगा एल्किन तो एल्किन हम कौन सा लेंगे ब्यूटेनोल तो एल्किन नहीं है मतलब ये तो नहीं हो सकता ब्यूटाइन नहीं हो सकता ब्यूटेनोल ब्यूटेनोल भी नहीं हो सकता ब्यूट वन इन और ब्यूट वन इन का मतलब क्या हो गया ये आपके पास बन गया ब्यूट वन इन यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर में आपको दे रखा है विल अंडरगो रिएक्शन फास्टर सबसे जल्दी एस एन टू रिएक्शन किसमें होगी तो आपको पता है एस एन टू का ऑर्डर क्या होता है वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री तो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है क्लोरीन निकलेगा यहां पर कितने डिग्री है टू डिग्री क्लोरीन निकलेगा कितने डिग्री है थ्री डिग्री यहां से क्लोरीन निकलेगा कितने डिग्री है टू डिग्री यहां से क्लोरीन निकलेगा कितने डिग्री है वन डिग्री कितने डिग्री है वन डिग्री ये आ गया वन डिग्री तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन क्योंकि एस एन टू रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगी जिसमें आपके पास क्या है वन डिग्री है ठीक है तो ये हो गए फोर्टी फाइव क्वेश्चन अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन की ओर इंटीजर टाइप क्वेश्चन और सेक्शन डी टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर एरिल एरिलइड आपको क्या बनाना है एरिल एरिलइड बनाना है तो फर्स्ट आपको दे रखी है एरिलइड नहीं बनता है आपको पता है क्या बन जाएगा यहां से एजीबीआर निकल जाएगा और क्या लग जाएगा बीआर लग जाएगा ठीक है सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है आपको दे रखा है सीएल टू और एच म्यू ये क्या है एच म्यू एच मू जब होगा तो आपको पता है जो प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ सी एच टू से क्या जुड़ जाएगा सी एल जुड़ जाएगा तो ये कौन सी टाइप का हेलाइड एरिलइड नहीं है इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें थर्ड में दिया हुआ है बी आर टू सी सी एल फोर तो बी आर टू सी सी एल फोर की रिएक्शन ही नहीं होगी अगर यहाँ पे एफ ए -E दिया हुआ होता उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या बना सकते थे हम यहाँ पर बी आर जोड़ सकते थे तो इस केस में भी क्या होगा एरिल एरिलइड नहीं बनेगा नेक्स्ट दे रखा है सी यू बी आर यानी कि गटरमैन रिएक्शन गटरमैन रिएक्शन में आपको पता है एन टू निकल जाएगा और सीएल यहाँ पर या बी आर यहां पर एक्स हेलोजन के रूप में जुड़ जाएगा है ना hbr के साथ भी हो सकती है hcl के साथ भी हो सकती है hcn के साथ भी हो सकती है तो डायरेक्ट इसके अंदर एरिल हैलाइड जो है यहाँ पर बन जाएगा नेक्स्ट रिएक्शन जो है n2cl की रिएक्शन hbf4 के साथ है यानी कि बाल्ज़ सिमान रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है बाल्ज़ सिमान रिएक्शन और बाल्ज़ सिमान रिएक्शन में क्या होता है n2bf4 बन जाएगा क्या बन जाएगा n2bf4 और क्योंकि हीट दे रखा है कंपाउंड स्टेबल है नहीं स्टेबल नहीं है तो जब हीट करेंगे इसको क्या हो जाएगा यहां से आपके पास जुड़ जाएगा फ्लोरीन साथ में आ जाएगा N2, और साथ में में आ आ जाएगा जाएगा और तो क्या बन गया ये एरिल एरिलइट बन गया ये एरिल बन गया यहां पर नहीं बना तो एक तो क्वेश्चन में आंसर अपना ये सही हो गया और एक आप आंसर ये अपना सही हो गया तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा जीरो टू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है सिक्वेंस दे रखी है हमें सी एस थ्री बी आर की रिएक्शन के सी एन के साथ करने पर तो बनेगा क्या सी एस थ्री सी एन बनेगा और सी एस थ्री सी एन में आपको दिया हुआ है एच थ्री ओ प्लस एच थ्री ओ प्लस देने का मतलब बनेगा क्या इससे एसिड बनेगा तो क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी ओ ओ एच दो कार्बन का एल्कोल बन गया अब रिएक्शन में क्या करवा रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी कि रिडक्शन और रिडक्शन से बनेगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच सी एच थ्री सी एच टू ओ एच बन गया क्वेश्चन में क्या पूछा है हाउ मेनी एस पी थ्री हाइब्रोडाइज एटम आर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट सी कौन सा हो गया अपने पास ये वाला sp3 कितने हैं कितने तो ch3 कौन सा है sp3 ch2 में कार्बन कौन सा है sp3 और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी यहां पर कौन सा हो जाएगा वन, दो सिग्मा है, दो लोन पे रहे तो चार चार का मतलब क्या हो गया sp3 और sp3 का मतलब उत्पाद सी में कितने sp3 संकरित परमाणु हैं एटम कितने हैं तीन तो आंसर क्या आ जाएगा 03 आंसर क्या आ जाएगा 03 नेक्स्ट देखिए फॉलोइंग रिएक्शन सी टू एच फाइव के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू बनाएगा रिएक्शन करनी है किसके साथ बी आर टू के साथ तो बी आर टू के साथ रिएक्शन करेगा तो सी सी एल फोर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा सी एच टू सी एच टू यहां आ गया आपके पास बी आर यहां आ गया आपके पास बी आर अब रिएक्शन में क्या करनी है के सी एन के साथ रिएक्शन करनी है तो okay, एन के साथ जब रिएक्शन होगी तो सी एच टू सी एच टू ये सी एन आ जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा सीएन ठीक है उत्पाद जेड में कितने सी एन समूह है हाउ मेनी सी एन आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट तो सी एन कितने हो गए बच्चों दो सी एन तो आंसर क्या जाएगा? 0, 2 आ जाएगा जीरो टू आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट्स कायरल प्रोडक्ट आपको यहां पर आइडेंटिफाई करने हैं तो आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अंदर क्या होगा Br2 1.0 मोल दे रखा है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको रिएक्शन करनी है तो Br आपको यहां पे ऐड करना है किस-किस कार्बन पे आप यहां पर ऐड कर सकते हो देखते हैं चलिए तो सबसे पहले जितने कार्बन है कितने कार्बन है तीन कार्बन तो ये अगर मैं फर्स्ट की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा CH2 ये हो जाएगा CH2 और ये आ जाएगा CH3 ठीक है यहां पर ये जुड़ा हुआ है क्या बी आर ठीक है ये जुड़ा हुआ है क्या बी आर और यहां पर अगर मैं इस हाइट इस कार्बन पे एक बी आर जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी एच टू बी आर और यहां पर कौन आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा तो अगर तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें देखो ये वाला जो कार्बन है ये वाला कार्बन जो है इसके अंदर चारों वैलेंसी डिफरेंट है और चारों वैलेंसी डिफरेंट होने के कारण क्या हो गया कायरल हो गया सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात सेकंड की बात करें तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये आ गया आपके पास सी एच टू यह आ गया सी एच टू और ये आ गया सी एस थ्री यहां पर जुड़ा हुआ है सी एस थ्री और यहां पर जुड़ा हुआ है बी आर तो दूसरा बी आर यहां पर भी तो जोड़ा जा सकता है और जोड़ा जा सकता है इसका मतलब बोलो कायरल है क्या तो कायरल यहां पर ये नहीं है ठीक है अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तो नंबर पर क्या हो सकता है नंबर पर यह हो सकता है कि इस कार्बन पर मैं क्या लगा दू? ब्रोमीन लगा दूं और इस कार्बन पर ब्रोमीन लगाने का मतलब यह हुआ कि यह आ गया आपके पास सी एच टू और यह आ गया आपके पास सी एच थ्री और यहां पर सीएच टू आ गया और सी एच थ्री आ गया मतलब अब क्या हो जाएगा अब इस कार्बन पे नेक्स्ट कार्बन वाल ये वाला कार्बन है और इस कार्बन पे हमें क्या लगाना है बी लगाना है तो ये हमने लगा दिया बी आर और ये आ गया आपके पास आपके पास पास नेक्स्ट वाले कार्बन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जुड़ा हुआ है ये आपके पास जुड़ा हुआ है और लास्ट वाले कार्बन पे क्या जाएगा सीएस तो ये भी बन सकता है अब इसके अंदर अगर हम देखें इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा ये वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन के अंदर आपको कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है है ना तो डिफरेंट ग्रुप है चारों और डिफरेंट ग्रुप होने के कारण ये क्या हो जाएगा Chiral compound बन सकता है ठीक है तो एक तो ये हो गया एक ये हो गया दो अब और पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो देखिए चार नंबर पे क्या बन सकता है चार नंबर पे अगर हम बात करें कि ये है आपके पास क्या सी एच टू सी एच थ्री ठीक है अब अपने को क्या करना है ये ले, लिख दिया हमने सबसे लास्ट में क्या सी एस थ्री वन टू थ्री थ्री कार्बन हो गए आपके पास कार्बन कितने वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन है मतलब बीच में दो क्या है कार्बन तो ये वाले दो कार्बन हो गए यहां पर हमने इस बार क्या जोड़ दिया हाइड्रोजन यहां पर क्या जोड़ दिया बी आर और नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा बी आर और यहां पर क्या हो जाएगा एच तो बताओ कायरल है या नहीं है बताओ कायरल है या नहीं है नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है ये अगर हम नंबर पांच की बात करें तो पांच नंबर पे ये हो सकता है कि CH3 हमने लगा दिया यहां पर और CH3 लगाने के बाद ये आ गया CH2 और ये आ गया CH3 कार्बन कितने हो गए तीन पांच कितने कार्बन है पांच कार्बन पांच कार्बन का मतलब ये लगा दो Br आर ये लगा दो H और यहां पर क्या हो जाएगा वापस Br और H ठीक बात है तो ये बताओ सुडोकायरल है ना तो सुडोकायरल मतलब माना नहीं जाएगा क्योंकि इनशियोमेरिकली क्या है ये प्योर है तो ये भी नहीं होगा नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर क्या हो सकता है सिक्स नंबर क्या हो सकता है अगर मैं बात करूं सी एच थ्री की अगर मैं बात करूं सी एच थ्री एक कार्बन हो गया अपने पास कार्बन कितने पांच ये आ गया आपके पास सी और ये आ गया आपके पास क्या सी एस री मतलब बीच में दो कार्बन और आएंगे और दो कार्बन और आने का मतलब यहां पर लगा दिया हमने बी आर यहां पर लगा दिया हमने एच और नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या करना है यहां पे एच लगाना है यहां पर लगाना है बी आर तो अब इसके अंदर अगर हम सेकेंड कार्बन की बात करें तो ये वाला आपके पास जो सेकेंड कार्बन है क्या हो जाएगा कायरल कार्बन हो जाएगा क्या हो जाएगा, जाएगा? कायरल कार्बन, mm -hmm. कार्बन बात समझ में आ गई तो अब तक कितने हो गए फर्स्ट कायरल हो गया थर्ड कायरल हो गया उसके बाद में फोर्थ कायरल हो गया उसके बाद में फाइव नहीं हुआ उसके बाद में क्या हो गया हो गया अब हम और पॉसिबिलिटी देखते हैं और कुछ भी बन सकता है सेवन नंबर तो आपके, आपके पास क्या हो सकता है अगर तीन कार्बन ले तो ये आ गया आपके पास सी एच टू ये आ गया आपके पास सी एच टू और ये आ गया आपके पास सी एच टू लास्ट कार्बन पे अगर मैं क्या जोड़ दू ब्रोमिन जोड़ दू लास्ट कार्बन पे क्या जोड़ दें ब्रोमीन बाकी एज इट इज यानी यहां पर क्या है थ्री यहां पर क्या जुड़ा हुआ है Br यहां पर क्या जुड़ा हुआ है Br और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है H ठीक है ना तो इस कंडीशन में क्या होगा इस कंडीशन में भी आपको कायरल कार्बन देखने को मिल जाएगा कायरल कार्बन देखने को मिल जाएगा तो अपने पास बोलो कितने आंसर हो गए ये वाला भी कायरल हो गया तो फर्स्ट वाला कायरल है थर्ड वाला कायरल है फोर्थ वाला कायरल है सिक्स और सेवन तो टोटल वन टू थ्री फोर फाइव तो आंसर क्या हो जाएगा इसका जीरो फाइव बात समझ में आ गई नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिव फिंकेलस्टाइन रिएक्शन ऑन इनमें से किसी के साथ भी फिंकेस्टाइन रिएक्शन नहीं होगी सभी स्वार्ट्स रिएक्शन दिखाएंगे कौन सी दिखाएंगे स्वार्ट्स तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो जीरो आंसर क्या जाएगा जीरो आर एक्स की रिएक्शन किसके साथ करते हैं एनए के साथ आर की रिएक्शन किसके साथ करते हैं एन ए के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में किसकी प्रेजेंस में एसीटोन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है आर आई प्लस एन एक्स ये रिएक्शन कौन सी है फिंकल स्टाइन रिएक्शन है अगर स्वार्ट्स की बात करें तो क्या हो जाएगी सी एस थ्री बी आर की रिएक्शन किसके साथ ए जी एफ के साथ ए जी एफ भी हो सकता है ए एस एफ भी हो सकता है एस बी एफ टू हो सकता है सी एफ टू हो सकता है एच जी एफ टू हो सकता है इनमें से कोई सा भी हो सकता है तो रिएक्शन में ये अगर आ रहे हैं तो रिएक्शन कौन सी होगी स्वार्ट्स रिएक्शन होगी क्या बन जाएगा सी एस थ्री एफ बन जाएगा या गया सी एस थ्री एफ और एजी बी आर ठीक है तो यानी कि यहां पर कोई सा भी आंसर कोई भी नहीं आएगा इनमें से तो आंसर क्या हो जाएगा अपना जीरो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी इंस्टेंट टर्बिडिटी का मतलब यह है ल्यूकास टेस्ट की बात कर रहा है और ल्यूकास टेस्ट का मतलब यह है कि अगर आपके पास वन डिग्री एल्कोहल है तो सबसे लेट टर्बिडिटी आएगी मतलब 20 मिनट के बाद लगभग आती है और अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो 5 से 10 मिनट में आ जाएगी और अगर आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है तो टर्बिडिटी आ जाएगी ओनली बाय शेकिंग तो यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि 3 डिग्री कौन सा है तो ये है आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल ये है आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल ये है आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल यानी कि एक तो इंस्टेंट टर्बिडिटी यहां आ जाएगी और यहां भी ZnCl2 की अपने को जरूरत ही नहीं है यहां पर ओनली अगर हम रूम टेम्परेचर भी ले लेते हैं तब भी क्या हो जाएगा इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाएगी अगर हम बात करें इसकी तो ये कौन सा है टू डिग्री तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा यहां पर आपको दे रखा क्या आपको थ्री डिग्री दे रखा है तो यहां पर भी इसी जेड दे एनशियल टू की जरूरत नहीं पड़ेगी ओनली अगर हम इसकी रूम टेम्परेचर पे इसको ओनली शेक भी करते हैं तब भी क्या आ जाएगी इसकी टर्बिडिटी हमें को दिखाई देखने को मिल जाएगी अगर हम सिक्स की बात करें तो सिक्स में फेनिल तीन फेनिल ग्रुप लगे हुए मतलब यह भी क्या है थ्री डिग्री है और थ्री डिग्री होने के कारण यहां भी ट्रिबिडिटी आपको देखने को मिलेगी तो देखिए थर्ड हो गया थर्ड के बाद क्या हो गया फोर्थ वाला फोर्थ वाले में है नहीं टू डिग्री है इसमें होगा नहीं उसके बाद में फाइव आ जाएगा उसके बाद में सिक्स आ जाएगा तो टोटल आंसर आपके कितने आ गए जीरो थ्री कितना आंसर हो जाएगा इसका जीरो थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन में आपको क्या दिया हुआ है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड हाउ मेनी पेयर फर्स्ट कंपाउंड विल रिएक्ट फास्टर देन सेकंड यानी पहला कंपाउंड सेकंड की तुलना में जल्दी एस एन वन रिएक्शन दिखाएगा तो किस में कितने में दिखाएगा तो एस एन वन का मतलब क्या हुआ थ्री डिग्री सबसे जल्दी फिर टू डिग्री और उसके बाद में वन डिग्री तो फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है आपको थ्री डिग्री दिया हुआ है सेकंड में क्या दिया हुआ है टू डिग्री तो फर्स्ट में पहला कंपाउंड जो होगा वो क्या दिखाएगा एस एन वन जल्दी दिखाएगा अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी क्या दिया हुआ है आपको यहां पर थ्री डिग्री दे रखा है यहां पर आपको टू डिग्री दे रखा है इसका मतलब फर्स्ट कंपाउंड यहां भी क्या करेगा जल्दी रिएक्शन दिखाएगा और अगर इसमें बात करें तो यहां पर आपको क्या दे रखा है यहां पर आपको टू डिग्री दे रखा है और यहां पर आपको वन डिग्री दे रखा है तो इन दोनों ही कंपेरिजन में भी थर्ड जो होगा उसका पहला कंपाउंड जो है वो क्या करेगा जल्दी एस एन वन रिएक्शन दिखाएगा मतलब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा जीरो थ्री हो जाएगा बात समझ में आ गई चलिए आगे क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट का मतलब यह है हाउ मेनी कंपाउंड कैन नॉट गिव हेलो फॉर्म विद एक्स टू ओ एच माइनस कितने कंपाउंड जो है वो हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे तो आपको पता है हेलो फॉर्म रिएक्शन जब दिखाते हैं तो कौन दिखाएंगे जिसके पास क्या हो सी एस थ्री सी एच ओ एच हो या फिर सी एस थ्री या फिर सी एच थ्री सी डबल बोन्ड ओ ये वाले दोनों ग्रुप अगर हैं तो इसका मतलब वो क्या दिखाएगा हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर नहीं है सेकंड ऑप्शन सी एस थ्री सी डबल बोन्ड सी एच डबल बोन्ड ओ यानी कि पहला दूसरा और चौथा हेलोफॉर्म रिएक्शन यहां पर नहीं दिखा सकते तो कौन सा दिखाएगा सी एस थ्री सी एच ओ दिखाएगा और सी एस थ्री सी एच ओ दिखाने का मतलब आंसर अपना क्या हो गया जीरो थ्री ठीक है नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन का मतलब हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव प्राइमरी एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल कितने दे सकते हैं तो देखो आपको क्या दिया हुआ है फर्स्ट वाले के अंदर आपके पास क्या बन जाएगा आर सी एच टू ओ एच यानी कि वन डिग्री एल्कोहल बन जाएगा अगर हम बात करें किसकी आर सी एच ओ की तो देखो ये है आपके पास आर सी डबल बोन्ड ओ एच रिएक्शन किसके साथ करनी है आर एम जी एक्स के साथ ये ले लिया हमने आर एम जी एक्स ये माइनस चार्ज ये पार्शियल पॉजिटिव तो आर न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा कार्बन पे ऑक्सीजन की तरफ माइनस चार्ज आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास ये आ गया आर ये आ गया सी ये आ गया आर ये आ गया ऑक्सीजन पर माइनस एच इसे क्या जुड़ जाएगा एम जी एक्स रिएक्शन किसके साथ होगी एच प्लस और ओ एच के साथ रिएक्शन होगी और इसके साथ, हो इस साथ अगर रिएक्शन होगी तो यहां पर तो लग जाएगा एच और यहां पर लग जाएगा ओ एच मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या आ गया टू डिग्री एल्कोहल यानी आर सी एच आर और ये आ गया आपके पास ओ एच यानी यहां पर सेकेंड क्या हो जाएगा गलत फर्स्ट क्या हो जाएगा सही ठीक है इसी तरह अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड भी क्या दे, दे सॉरी मतलब बनेगा और यहां पर, तो मतलब पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा ओ एच यहां लगेगा इसका मतलब इसके अंदर तो थ्री डिग्री बन जाएगा तो थ्री डिग्री तो अपना आंसर हो नहीं सकता अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर आर सी एन ऑलरेडी आर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है आर सी ट्रिपल बोन्ड एन तो जो इनकमिंग आर माइनस होगा वो अटैक यहां करेगा मतलब यहां पर जुड़ेगा आर मतलब ये भी वन डिग्री तो हो नहीं सकता इसका मतलब क्या हो जाएगा इन चारों में से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो क्या दे वन डिग्री एल्कोहल तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा जीरो वन सही आंसर अपना क्या आ जाएगा जीरो वन क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में देखो दिया हुआ है आपको हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर फॉलोइंगटेलिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर एम जी एक्स यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या होगा कार्बन सीधा किससे जुड़ा हो मेटल से जुड़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक तो ऑर्गेनोमेटेलिक कौन है आर एम जी एक्स ऑर्गेनोमेटेलिक है आर टू जेड एन ऑर्गेनोमेटेलिक है यहां पर आपको आर सी एल मिलेगा Rcl, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है और इसी तरह Rona भी ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है ठीक है ना तो ये जो ऑप्शन है Hg, इसकी जगह आपको मिलेगा क्या Rcl, यहां पर तो यहां पर ऑप्शन कितने हो गए सही दो ऑप्शन यहां पर सही हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो टू आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस व्हिच विल गिव वन डिग्री एल्कोहल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन यानी कि जो अभिक्रिया हैं आपको दे रखी है उन अभिक्रियाओं में आपको यह बताना है कि कितनी अभिक्रियाओं में कितनी रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो वन डिग्री एल्कोहल बनेगा तो फर्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हो यह आपके पास दिया हुआ है सी एच थ्री एम जी एक्स ये आ गया आपके पास पॉजिटिव यह आ गया नेगेटिव नेगेटिव अटेक ऑन द कार्बन कार्बन हियर इट इज इट विल अटेक ऑन दिस कार्बन आफ्टर दैट द प्रोडक्ट सी एच थ्री

डिग्री प्रोडक्ट के रूप में बनेगा अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सी एस थ्री यहाँ पर दिया हुआ है तो सीएस थ्री कहाँ अटेक करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस कार्बन पे अटैक करने के कारण जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा उसमें क्या होगा सी एस थ्री सी और ये आ गया सी एस थ्री ये जगह हुआ एच यहां पर आएगा ओ एम जी एक्स क्या आ जाएगा यहां पे ओ एम जी एक्स और रिएक्शन होगी किसके साथ एनएच फोर सी एल के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहां क्या लग जाएगा एच लग जाएगा और यहां क्या लग जाएगा ओ एच लग जाएगा तो प्रोडक्ट आपके पास यहां पे क्या बन जाएगा टू डिग्री एल्कोहल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कीटोन कीटोन है तो ऑलरेडी यहाँ पे दो कार्बन तो जुड़े हुए हैं एक कार्बन यहां पर ये वाला कार्बन जब और जुड़ जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा थ्री डिग्री एल्कोहल मतलब ये भी नहीं हो सकता तो यहां पर आंसर क्या आ गया आपका थ्री डिग्री एल्कोहल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो क्या होगा ये वाली चेन क्या हो जाएगी ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होने के कारण ये जो ओ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ओ OH एच में कन्वर्ट हो जाएगा सी एस थ्री लग गया इधर तो यहां से भी क्या बनेगा टू डिग्री एल्कोहल बनेगा ये आपके पास आ जाएगा क्या टू डिग्री एल्कोहल इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में तो दोनों क्या है एक जैसे कार्बन है तो सी एच थ्री किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है और अटैक करेगा तो क्या होगा जैसे इसने अटैक किया तो अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और ओ एच OH, यानी यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा वन डिग्री एल्कोहल ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वन डिग्री एल्कोहल क्वेश्चन में क्या पूछा था क्वेश्चन में ये पूछा था अभिक्रियाओं की कुल संख्या जो निम्नलिखित में में उत्पाद के रूप देते देते हैं क्या देते हैं क्या तो वन डिग्री एल्हल कितने दे दे रहे हैं एक तो ये दे रहा है, और एक ये दे रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा करेक्ट आंसर इज टू तो. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद आउट विदउट डिस प्रपोश्योनेशन प्रोडक्ट आर तो यहां पर आपको देखना क्या है आपको वूड रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है तो वूड रिएक्शन में देखो क्या होगा ये है आपके पास बॉन्ड लगा हुआ है यहां पर बी आर है और ये यहां पर लगाया हुआ है आपके स्टार स्टार लगाने का मतलब ये हुआ कि इसमें दो प्रोडक्ट यहां पे बन जाएंगे तो दो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे एक तो आपके पास ये स्टार वाला प्रोडक्ट बन गया अब इसका अगर हम होमोलाइसिस बॉन्ड जो है वो यहां लग जाएगा एक फ्री रेडिकल इधर आ गया एक फ्री रेडिकल इधर चला गया तो ये दूसरे वाला फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा डबल बॉन्ड बना लेगा और ये यहां पर बच गया अपने पास फ्री रेडिकल और ये है अपने पास क्या स्टार बात समझ में आ गई तो दो प्रोडक्ट अपने पास बन गए तो इसको एक बार दोबारा बना देते हैं देखिए फर्स्ट के अंदर क्या बनेगा यहां लगा हुआ है स्टार तो ये आपके पास आ गया फ्री रेडिकल ठीक है अब सेकंड ये बन गया फर्स्ट और सेकंड ये आपके पास बन जाएगा सेकेंड यहां पे लगा हुआ है क्या स्टार ये लग गया बॉन्ड और यहां पे आ गया फ्री रेडिकल इसको हमने मान लिया सेकेंड तो दो पॉसिबिलिटी अब इसके अंदर प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट और फर्स्ट को दोनों को आपस के अंदर जोड़ दें फर्स्ट और फर्स्ट को जोड़ने का मतलब ये है कि अगर इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे हम तो क्या होगा ये आपके पास फर्स्ट दिया हुआ है यहां पे डबल बॉन्ड है ये आपके पास फ्री रेडिकल है और ये स्टार बना हुआ है ठीक है ना तो सेम इसी तरह यहां पर ये हमने दूसरा ले लिया मॉलिक्यूल यहां पर क्या हुआ है डबल बॉन्ड बना हुआ है और यहां पर क्या है स्टार और ये क्या हो जाएगा स्टार के साथ क्या है फ्री रेडिकल है, है फ्री रेडिकल ना तो फ्री रेडिकल है तो क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने का मतलब अपने पास एक तो ये बन जाएगा बात समझ में आ गई अगर हम फर्स्ट और फर्स्ट को ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट और फर्स्ट को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो तो ये बनेगा अब अगर हम सेकंड और सेकंड को ऐड कर दें तो सेकंड और सेकंड को ऐड करने का मतलब ये है अपने पास सेकंड यहां पर क्या है फ्री रेडिकल यहां पर क्या लगा हुआ है बॉन्ड और ये है आपके पास क्या स्टार बात समझ में आ गई तो इसके अंदर हम जब नेक्स्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से ये आ गया स्टार और स्टार के बाद में डबल बोन्ड कहां लगा हुआ है यहां डबल बोन्ड है तो यहां क्या जाएगा? आ जाएगा स्टार आ जाएगा अब इन दोनों को मिला दो बात समझ में आ गई बन गया तो एक तो ये बन गया और ये दूसरा बन गया ठीक है अब मैं अगर बात करूं थर्ड की ये किसको सेकंड प्लस सेकंड? ये बन गया और एक ये बन गया अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम जोड़ दें फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने का मतलब ये है कि फर्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है फर्स्ट आपके पास ये वाला है इसके अंदर फ्री रेडिकल कहां है ये रहा फ्री रेडिकल और ये रहा बॉन्ड ये लगा हुआ है क्या स्टार ठीक है अब इसके अंदर दूसरा जोड़ना है तो दूसरा जोड़ना है तो हम दूसरे की स्ट्रक्चर बनाएंगे स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा ये आपके पास आ गई रिंग रिंग के अंदर डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ है फर्स्ट ये वाला फर्स्ट था सेकंड वाला देखना है सेकंड वाला ये है तो अगर हमें इसे जोड़ना है तो यहां डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा और यहां अपने को फ्री रेडिकल लगाना पड़ेगा और ये आ गया आपके पास क्या स्टार तो इन दोनों को हम यहां पर एड कर सकते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई तो ये क्या आ गया किससे आया फर्स्ट और सेकेंड को एड करने से आया तो तीन प्रोडक्ट हम यहां पे बना सकते हैं नंबर ठीक तो है क्वेश्चन नंबर थर्टीन हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इंक्लूडिंग स्टीरियो मोनोक्लोरिनेशन का मतलब ये आपको जो दिया हुआ है इसमें अपने रिएक्शन किसके साथ करनी है सीएल टू के साथ रिएक्शन करनी है और CL2 के साथ रिएक्शन करने पर कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट अपने को मिल सकते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो है ना तो सबसे पहला देखिए यहां पर क्या बन सकता है ये यह यहां पर दिया हुआ है सीएल अपने को यहां पर अटैच करना है मतलब एक तो सीएल यहां पर इस तरह से आ जाएगा ठीक है अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा क्लोरीन यहां पर जोड़ा जा सकता है ठीक है अगर तीसरे की बात करूं तो थर्ड क्लोरीन हम यहां जोड़ सकते हैं ये आ गया थर्ड क्लोरीन और चौथे की अगर बात करूं तो चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ये आपके पास ग्रुप आ गया मिथाइल और ये आ गया सीएल ठीक है ना तो एक तो ये बन जाएगा एक ये बन जाएगा दो तो ये बन गए ठीक है अगर हम इन दोनों की बात करें तो सिस्ट्रांस बनाया जा सकता है और सिस्ट्रांस बनाने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा ये तो आपके पास क्या आ गई रिंग आ गई और रिंग आने का मतलब ये है आपके पास कुछ इस तरह से आप इसको बना सकते हो डेस और वेज की फॉर्म में ठीक है तो ये आ जाएगा आपके पास यहां पर Cl एक ये बन सकता है अगर हम दूसरा बनाने की कोशिश करें तो यहां पर देखिए ये दूसरा अगर हम बनाए तो क्या बन जाएगा ये आपके पास क्या है साइक्लिक रिंग है और साइक्लिक रिंग में यहां पर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा क्या सी एच थ्री यहां पर आ जाएगा क्या हाइड्रोजन और यहां पर आ जाएगा क्या सी एल तो ये दो बन जाएंगे इसी तरह उसके भी दो बन जाएंगे ट्रांस तो दो इसके दो इसके चार पांच छह और एल अगर हम बनाए तो इसके क्या बन जाएंगे डी और एल भी बन सकते हैं इसका मतलब टोटल कितने हो गए आठ तो अपना आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा एट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल पीपीटी ऑन रिएक्शन विद एन थ्री एनओ के साथ पीपीटी कौन कौन देगा ठीक है ना तो सबसे पहले हमें यहां पर देखना है पीपीटी कौन देगा तो यहां पर ये वाला पीपीटी दे देगा यहां पर क्लोरीन है ये वाला पीपीटी नहीं देगा ये वाला सी एल बिल्कुल प्लस चार्ज आ जाएगा पीपीटी दे देगा ये क्लोरीन निकलेगा प्लस चार्ज पीपीटी दे देगा ये ब्रोमीन है पीपीटी दे देगा ये आपके पास क्लोरीन निकला पॉजिटिव एरोमेटिक बन गया यानी कि ये वाला भी पीपीटी दे देगा ठीक है ये वाला क्या है ब्रोमीन थ्री डिग्री है तो थ्री डिग्री के अंदर पीपीटी आ जाएगी और ये वाला भी क्या है पीपीटी आप इसमें प्राप्त कर सकते हो ए थ्री के साथ तो टोटल अपने पास आठ दिए हुए थे एक पीपीटी नहीं दे रहा तो आपके आंसर कितना आ गया जीरो नेक्स्ट देखिए तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है हाउ मैनी हेलाइड विच विल नॉट गिव प्रड विद एन ओ थ्री तो AgNO3 थ्री यानी यहाँ से सी एल निकलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव आने का मतलब स्टेबल नहीं है और नहीं होने के कारण ये नहीं देगा ये दे देगा ये दे देगा और ये दे देगा यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज तो तीनों क्या एक को छोड़ के सारे दे देंगे यानी कि आंसर सही अपना क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट So thank you very much.